अस्सलाम वालेकुम। क्लिक मीडिया पर हम लेकर आए हैं आपके लिए गर्ल टॉक, खवातीन की कहानी लड़कियों की जबानी, या लड़कियों की कहानी खवातीन की जबानी। इसे आप जो भी समझना चाहें आपके लिए वही बेहतर रहेगा। आज जो हमारे मेहमान हैं, द पर्सन आई एम गोइंग टू कॉल टुडे इज हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन। तमगा इम्तियाज अभी रिसेंटली इन्हें मिला है, पर मतलब इनका ताल्लुक तदरीस से पिछले 30 साल से है। उसके साथ साथ माशाल्लाह शी इज़ इन एक्स वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा बेस्ट टीचर, बेस्ट रिसर्चर, ऐसे इंटरनेशनल नेशनल इतने सारे अवार्ड्स, और कभी जब जिंदगी का सिलसिला शुरू किया था सोचा था कि यहाँ तक सफर रहेगा हमारा? नहीं, इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था। मेरा वो कहते ना जी, थिंक बिग, और ये मेरा हमेशा से ज़िंदगी का रास्ता यही रहा है कि जहाँ पर जिस वक्त होते बस उसको टारगेट करके ट्राई टू गिव माय बेस्ट। आई विल नॉट से द अल्टीमेट, बट जो मेरी तरफ से बेहतरीन मुमकिन एफर्ट्स हो सकते हैं मैं बस वो करती रही, और वो कहते हैं ना कतरा 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 दरिया बनता रहा। क्या बात है, दरिया तो नहीं तो समंदर बन गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो समंदर की शुरुआत थी, कतरा कहाँ से शुरू हुआ? यानी ये जो एहसास था कि मैं ख्वातीन में एक अलग ही इंसान हूँ, ये एहसास कब हुआ आपको सबसे पहले? यानी एज अ फीमेल चाइल्ड, पहले तो बताएं कि आपके कितने बहन भाई थे, आप कौन से नंबर पे हैं? हम 4 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ी, मेरे से छोटे 3 भाई थे, एक पास्ड अवे, वो स्पेशल चाइल्ड था। अभी माशाल्लाह से 2 भाई हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। तो सारी जिम्मेदारियाँ भी फिर आप पे हैं? नॉट जिम्मेदारियाँ आई वुड से, लेकिन ये है कि मेरी जो वालदा है, माँ मेरी, तो उनको बड़ा ये था कि लड़की को साथ साथ एजुकेशन का भी चूंकि, और घर गृहस्थी ज़रूर आनी चाहिए। वाह, तो वो बस साथ ही उन्होंने छोटे छोटे जो काम होते हैं ना घरेलू, और बड़े बड़े भी आहिस्ता आहिस्ता करके सीखते रहे, तो इसलिए मुझे आई थिंक आई एम ऑलराउंडर। माशाल्लाह, घरेलू चीजें है ना वो भी मैं मैनेज कर सकती हूँ बहुत अच्छी, और मैंने की हैं माशाल्लाह। और बाकी डॉक्टर साहब, पहली बार जब आप, मतलब जाहिर है आपके 3 भाई और थे, आप अकलौती बहन थी, तो ये एहसास कब और कैसे हुआ कि मैं इन तीनों से अलग हूँ? यानी मैं एक लड़की हूँ, इस बात का एहसास, क्योंकि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिस वक्त मतलब लड़कियों को एजुकेशन की तरफ बहुत कम माइल किया जाता था, उन्हें ज्यादातर घर गृहस्थी की तरफ ही रखते थे कि ये इन्होंने पढ़ लिख के क्या करना है। आज भी लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, तो आपके पेरेंट्स बहुत फॉरवर्ड थिंकर्स थे, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपको ये एहसास कब हुआ कि आप लड़की हैं, और ये जो एक मेल शुविनिस्ट आपका मुआशरा है, इसमें आप जगह कैसे बनाएंगी, और आपको कैसे फील हुआ कि मैं एक लड़की हूँ, ये सारे आदमी हैं? ईमानदारी से अगर बात करें तो उस जमाने में इस तरह की टर्मिनोलॉजीज और इस्तलाहात और ये फीलिंग्स नहीं, ये इतनी एम्बेडेड थी कि आपको पता भी नहीं होता था कि ये क्या है। सही बात है, मतलब मैं ऑनेस्टली बात करूंगी जो मैं बात करूँ। सही, लेकिन तालीम का ये है कि मेरी वालदा स्कूल से तो नहीं पढ़ी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी रिलीजियसली काफ़ी अच्छी एजुकेशन उन्होंने ली हुई है, और वो पढ़ भी लेती हैं, वो लिख भी लेती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनको ये बहुत, ये एक शौक था कि मैं स्कूल्स ये में या ये फॉर्मल तालीम नहीं ले सकी, तो मैंने इसको ज़रूर दिलवानी। तो हमारी स्कूलिंग का सारा जो कुछ भी था ना, अब उनको समझ भी नहीं आती थी कहाँ भेजें क्या करें ना, उस वक्त इतनी ऑप्शंस होती थी, ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड थी, बिल्कुल सही। जो भी एक जिसे कहते ना इर्द गिर्द हमारे जो सरकारी स्कूल था, उन्होंने उसमें डाल दिया, और मुझे इसमें कोई आर नहीं है कहने में कि वो शुरू की क्लासें हमने टाट पर ही बैठ के पढ़ी। क्या बात है, ठीक है। तो जब सीनियर क्लास में गए तो फिर हमें बेंचेस मिले 4th क्लास में शायद प्रॉबेबली, और उस पर ना वो बाहर लॉन में टाट बिछे हुए और वहाँ पे हम बैठे पहाड़ याद कर रहे हैं। और आजकल के बच्चों को ये अगर कॉन्सेप्ट ही देने की कोशिश करना है कि टाट पे बैठना है या बाहर बैठना है और पहाड़े याद करने हैं और पहाड़ा क्या है, तो वो मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉबेबली उनको समझ नहीं आएगी और वो बेहोश हो जाएंगे सुन के। तो बस ये था कि उनको था कि इसने पढ़ना है, इसको मैंने मतलब आगे लेके जाना है। सही। और एक इंटरेस्टिंगली आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ, मुझे एक जो आपने कहा ना कि कब से एहसास, ये चीज मुझे था कि आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडी, ओके, एजुकेशन जिसे कहते हैं, ओके ओके।
एक तो मुझे रीडिंग का बड़ा था, मैं जहाँ भी कहीं जाती थी जो भी कोई चीज़ मुझे नज़र आता था, कोई मैगजीन अखबार है कुछ है, क्योंकि मैंने उर्दू रीडिंग तो बहुत जल्दी पिक कर ली थी और सीख ली थी, तो वो मैं उठा के तो उसको ब्राउज करना शुरू कर देती थी, उसको पढ़ना शुरू कर देती थी। राइट, बल्कि जो अफसाने शफसाने उस एज में लग होता था कि ये लड़कियों को नहीं पढ़ने चाहिए, तो मैं वो भी छुप के पढ़ लेती थी। मेरी एक जो कज़न थी जो मुझसे बड़ी थी, तो उन्होंने मेरी मदर को बताया कि ये इस तरह पढ़ती फिरती रहती है चीज़ें, अफसाने भी पढ़ लेती है, अफसाने भी पढ़ लेती है। तो मुझे एक तो साथ ये रीडिंग का था, दूसरा फॉर्मल एजुकेशन का। ठीक, तो यू मे बी नॉट बिलीव कि इवन जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दिसंबर टेस्ट होते थे ज़माने में, क्योंकि मार्च में एनुअल होते थे, बिल्कुल, तो उसमें भी ना अलार्म लगा के शदीद सर्दी में रात को जाके तैयारी कर रहे होते थे दिसंबर टेस्ट के लिए भी। अच्छा, जो आपके लिए जरूरी नहीं थे एज सच के उसमें क्या करना है, सही, लेकिन है। और ना ही कभी मेरी मदर को या मेरे फादर को ये कहना पड़ा कि पढ़ो तुम्हारे टेस्ट है या कुछ है। ये सम हाउ पता नहीं कहाँ से एक सेल्फ एक कन्विक्शन थी कि नहीं कुछ करना, कुछ अच्छा परफॉर्म करना है बस। क्या बात कि क्लास में वो क्या होता है ना टॉपर टाइप तो इस तरह की, आप टॉपर और रही। जी, तो इसलिए वो किसी को मुझे कहना नहीं होता था, बल्कि मेरी मदर कहती है कि इनकी जो है ना पीछे लग के तो हमने समझा कि सारे ही ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन लड़कों को हमें नहीं पता था कि उनको भी पुश उनको करना पड़ता है, तो उन्होंने कहना पड़ता है। तो वो भाइयों की शामत आई होती थी कभी कभी जब रिजल्ट आता था, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे, तो वो आपको पता है घर में लैंग्वेज दूसरी होनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इश्यूज रहे। अच्छा, आप गवर्नमेंट स्कूल में थी, भाई जो थे वो बाद में, क्योंकि मेरे से छोटे थे और उसमें फादर मेरे जो थे Since he was in cantonment office, तो वो उधर आते जाते थे, तो उन्होंने देखा कि ये उधर स्कूल जो था गैरिसन स्कूल था। हाँ जी, तो वो मैं या भाई और एक कजन भी हमारे थे, तो वो उनको इकट्ठे एक ही जगह साथ ले आते थे और फिर कोई उनको घर छोड़ जाता था। सही, वो कन्वीनियंट था। यस, तो वो उधर आ गए और हम तो बल्कि बाद में मैं कहती थी कि मुझे आपने क्यों नहीं डाला। सही बात है, मैं अगला सवाल यही था कि आपको क्यों नहीं डाला वहां पे। लेकिन वो जो आप बात कह रही है ना, वो जैसे होता है ना बच्चियों का, वो हमारी माँ के ऊपर था। हाँ, तो जिम्मेदारी तो वो उन्होंने जो उनको उस वक्त लगा उन्होंने उसमें कर लिया, तो ये जो लड़कों की थी वो उन्होंने अपना बीच में रोल प्ले किया। ये अच्छा आपने कहा है, अच्छी तरह इस्तेमाल किया, रोल प्ले किया, मैं तो कुछ और ही कहने लगी थी। खैर, anyway. उनसे कहा, कहते हैं नो तुम देखो तुम उनसे कितना आगे निकल गए, मैंने कहा वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो मैं अपने बलबूते पे निकल गई ना। उसमें ये है कि मुझे कोशिश ज्यादा करनी पड़ी वो चीजें सीखने की जो कि आप एक अच्छी स्कूलिंग में आपको मिल जाती है, ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जी बिल्कुल, वो मुझे काफी एक्स्ट्रा स्ट्रगल देखे ना कि एजुकेशन में आना और आगे खुद आपने लिखना लिखाना पढ़ना पढ़ाना, तो वो जहाँ पे आपको एबीसी छठी क्लास में सिखाई जाए, बहुत मुश्किल, दिस इज कैट एंड दिस इज डॉग, तो उस लेवल से फिर आगे कहाँ एक बच्चे को आप शुरू से ही दिस इज कैट दिस इज अ डॉग दिस इज वो सारी आप शुरू में ही। आई नो, जैसे मैंने कहा मुझे खुद प्रेपरेशन का बड़ा होता था कि क्या रह जाए, तो मैं इसी तरह ग्रामर देख रही थी, तो उसमें और ये 9th-10th की बात है, वो क्लॉजेस क्या आया ना। हाँ, हाँ। मैंने अपनी वो टीचर जो थी अंग्रेजी, मेरे से पूछा उस मिस कहते थे ना, हाँ, ये क्लॉजेस क्या देखे थी, इनको रहने दो भी तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है। जितना मैंने सिखाया ना बस बस वही कर लो। इस तरह से और साहब अभी आप अपने पुराने स्कूल जाती हैं? नहीं, बहुत पता नहीं, मुझे कोई इस तरह का अफिलिएशन नहीं थी। नहीं, अफिलिएशन तो थे, लेकिन मैं इतना कोई रोमांटिसाइज नहीं करती। अच्छा। पास्ट को कि वो जो होता है ना एक नॉस्टैल्जिक होना या कुछ, क्या बात, मुझे वो जिंदगी के चैप्टर्स लगते हैं, जिनमें से जो जो अच्छा लेना था वो ले लिया, अब आगे बढ़े दो आई फील लाइक गोइंग, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं बना जाने का। तो अब मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल जिसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, जिसमें टीचर्स बस पूरा पूरा सही पढ़ाते हैं, एंड राइट अभी आप एक्स वाइस चांसलर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स की, तो ये जो ट्रांजिशन थी जिंदगी की, इसके बारे में जरा बताएं कि क्या कैसा महसूस होता था। मैं जब जब जहाँ जहाँ किसी मकाम पे पहुंची हूँ, तो मैंने हमेशा पुराना स्कूल जरूर याद किया और अपना वो चाइल्डहुड याद किया। बिल्कुल, ये याद किया कि आई हैड नेवर थॉट ऑफ दिस पोजीशन, माशाल्लाह, और यूनिवर्सिटी में आना और फिर उधर क्लासरूम में मैं बैठी होती थी, फिर मैं सोचती थी कि वो स्कूल और वो कैसा था और मैं यहाँ पर हूँ,
तो मैंने उसको चेरिश भी किया है, एंजॉय भी किया है माशाल्लाह, और उसके लिए शुक्र भी अदा किया है कि कितने लोग हैं जो वहां पहुंच सकते हैं, और उसके लिए मेहनत भी की है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बचपन आसान था कि मुश्किल रहा, बचपन आपका जो था एज ए गर्ल चाइल्ड, क्योंकि ये गर्ल टॉक है तो हम आपसे सवाल भी वही करेंगे जो लड़कियों की जिंदगी से रिलेटेड। असल में मुझे नहीं पता, हमें तो एंजॉय किया है क्योंकि हम एक कजन से इकट्ठे घर रहता था हमारा, तो बस इकट्ठे खेलते होते थे। इवन मुझे याद है कि हम क्रिकेट भी खेलते थे और मैंने साइकिल भी चलानी सीखी तो वो कुछ एज सच मेरी मदर की, मैं वही कहना शी इज वेरी वाइज, जिसे कहते हैं अकलमंद खातून माशाल्लाह। तो एक ये था उनका कि उन्होंने कभी मुझे नहीं था कि मैं ही सिर्फ घर का काम करूं। मेरे साथ जो मेरा छोटा भाई था, फर्ज करें अगर मैं उसको आटा गूंदना आता था, कैन यू बिलीव, तो दैट्स अमेजिंग। यस, और वो मेरी मदर ने सिखाया था। क्या बात, तो वो उनको ये नहीं होता था कि अब ये लड़की है तो बस यही सारे काम करेगी। नो, माई ब्रदर ऑल्सो लर्न दोस थिंग्स, दैट्स वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग ऑनेस्टली। अगर आप आज की माओ को देखें तो कहीं भी सिखा, मतलब लड़कों को नहीं सिखाते आटा गूंदना, अभी तो लड़कियां भी नहीं सीख रही आटा गूंदना, मशीनें रख ली है लोगों ने घरों में। मैं आपसे ये कह रही हूँ, फिर वो बर्तन धोते थे तो हम मिलके काम करते थे। दिस इज व्हाट मैं और मेरा भाई, क्योंकि जाहिर है उस वक्त इतने मुलाजिम शाजिम नहीं होते, ज्यादा कोई आगे सफाई कर रही, बाकी का जो काम है तो वो हम दोनों शेयर करते थे, भाई मैं और बहन। तो दूसरा फिर उनका एक और था कि बच्चियां जो हैं, क्योंकि उन्होंने आगे से बच्चे पैदा करने हैं एंड दे नीड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, यस, तो वो कई दफा मुझे छुप के मुझे ज्यादा अच्छा खाने को चीजें दे देती थी। वाओ, ये आपकी वालदा से तो वाकई मिलने की जरूरत है भाई। बिल्कुल मिलने की जरूरत, उस वक्त मुझे वैसे फील ही होता, लेकिन अब क्योंकि जिस दौर की आप बात कर रही है ना मैडम, उस दौर में तो बच्चों बेटों को बोटियां दे दी जाती थी और बेटी के लिए बस शोरबा डाल दिया जाता था कि तुम यही खा लो। रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे लोगों के पास, और उसके साथ साथ उतनी उतना शऊर भी नहीं था। अब आपने ये प्रोसेस की बात की है, और फिर उन्होंने यकीनन आपसे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल की भी बात की होगी, आपको ये भी बताया होगा कि ये एक प्रोसेस आएगा आपकी जिंदगी में। वो उन्होंने पहले कोई नहीं बताया था। अच्छा ठीक है यानी वो टिपिकल मदर्स वाला काम ही था वहां पे, वहीं पे वहां पे कोई फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं थी। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ओके ओके, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल रहा। मैं उनको बल्कि अभी भी कहती हूं कि अम्मी, जो आपके जमाने के दस्तूर थे ना, तरीके थे, वो आपने मुझे जो उस वक्त चल रहे थे ना, नहीं, क्योंकि वो खुद एक घरेलू खातून थी, she didn't know कि बाहर क्या हो रहा है। सही बात, तो वो मैंने कहा आपने मुझे ना, और उसकी वजह से मैंने इतना सफर किया ड्यूरिंग माय स्टडीज, कॉलेज, एवरीथिंग, ये वो, ये इतनी बड़ी स्ट्रेस होती है बच्चियों के लिए जो रियलाइज भी नहीं होती। कुछ ना पूछे डॉक्टर साहब, जब आप एक वाइस चांसलर बनी फीमेल कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो लड़कियों की इंटरेक्शन तो बहुत ज्यादा होती होगी और उनके ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा रहे होंगे, तो व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, बिकॉज़ आपकी बेटियां तो नहीं है, आपके तो माशाल्लाह दोनों बेटे होनहार बेटे ही हैं, माशाल्लाह तीन बेटे हैं आपके, तो माशाल्लाह। ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि फिर आपने व्हाट इट, हाउ डिड यू ग्रूम द गर्ल्स, कि कैसे हाइजीन रखनी है, क्या करना है? जनरली मैंने स्पेसिफिकली, मैं खुद तो नहीं उनके साथ obviously, इस तरह की करते रहे, लेकिन कोशिश यही थी कि एनवायरनमेंट जो है ना वो थ्रू टीचर्स, और हमारी एक जो थी एक्सटर्नल लिंकेजेस ऑफिस की, उन्होंने कुछ खवातीन की इस तरह की सर्विसेज के हवाले से वहां पर अरेंजमेंट किया, राइट हाँ। तो और दूसरा ये कि हाइजीन, जब मैं गई तो उधर वॉशरूम्स के बल्कि एंड तक भी खत्म ही नहीं हुए, इतने इश्यूज से, बहुत इश्यूज थे। मैंने इतने वॉशरूम्स हमने बनवाए, सारे के सारे जो हॉस्टल था उसमें अपग्रेड भी किए, नए भी बनवाए, इसी तरह फैकल्टी के लिए नहीं थे, उनके लिए भी अभी भी, लेकिन वो फिर भी चूंकि सारी खवातीन है तो वो एक, जिसे आप कहे ना, जैसे मैं चाहती थी, जैसे आप चाहती थी ना कि नीटनेस हो, नहीं हाइजीन का ख्याल हो, हाँ उस तरह से नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, मैंने बदली कप डाली उसके ऊपर ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप मतलब हम कैसे बच्चियों को इस चीज पर ग्रूम करें कि पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपकी बड़ी लंबी जिंदगी है आगे, और अगर आप आज इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बाद में आपके लिए बहुत मसले क्रिएट करता है। देखिए, पर्सनल हाइजीन तो हर एज में ही बड़ी जरूरी, बहुत जरूरी, और अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, हमारे मर्दों के लिए भी बहुत जरूरी है, और हमें
कुछ बेसिक सी चीजें होती है ना, आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। अगर समटाइम्स यू ब्रीद इज नॉट यू नो रिफ्रेशिंग, उसमें स्मेल होता है और होता है, अब लोग डिस्टेंस ही रहते हैं, आगे आपके आगे बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आप इतना अनकंफर्टेबल होते हो, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो एक जो देखिए सफाई निस्पेमान है, बिल्कुल है, हम ऐसी अहादीस में तो बहुत जोर लगाते हैं जो इतनी वाजे भी नहीं है, चार शादियों वाली, या जो ज़ईफ भी हैं, लेकिन उन पे हम बहसें कर ही जाते हैं। हाँ, और जो इतनी वाजे एक इंस्ट्रक्शन है, जिस्म अपना साफ, अपने आप को साफ रखें, और सिर्फ अपने आप को नहीं, देखिए अगर मैं गंद से में रह रही हूँ तो मैंने कितने भी कलोन लगाए नहाई हूँ, लेकिन मेरा एनवायरमेंट अगर गंदा है बिल्कुल, तो कुछ नहीं हो सकता, मैं कैसे साफ हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए अपनी हमारी हाइजीन जो है ना, वो हमारे माहौल पर भी डिपेंड करती है और बड़ा जरूरी है। तो इसलिए अब आपको मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ जी, आप कहीं गेस्ट गए हैं, बिल्कुल आपके घर में कोई आया, अब उन्होंने टिश्यू यूज किया है, होता क्या है, उसको करके आपने सोफे पे रखा होता है, वो जाते हैं तो वो टिश्यू वहां पे पड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप किसी ने नाक साफ किए, किसी ने हाथ साफ किए, ठीक है ना, किसी ने आंख साफ किए, अब आप क्या करते हैं, फिर मैं दूसरे दो टिश्यू उठाती हूँ, फिर उसके ऊपर उसको लगाती हूँ, और फिर उसको उठा के डस्टबिन में डालती हूँ। तो अब ये छोटी छोटी जो बातें हैं मैडम, समटाइम्स बाथरूम जो आपके गेस्ट यूज करके जाते हैं, आपको यकीन नहीं आता कि ये कैसे कैसे लोग हैं भाई, ये कैसे गुजरे हैं बाथरूम में, इसको यूज कैसे किया। तरस भी आता है कि हम मुसलमानों का मैंने ये देखा है कि हाल कोई नहीं है, दो वो जिसे कहते हैं ना सफाई अपनी कर भी अगर लेंगे ना, लेकिन इर्द गिर्द जितना गंद डालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है वो। यानी मैं सिंगापुर में अब लोग पता नहीं मुझे नहीं कुछ नहीं कहेंगे आपको, हमने जब जहां पर यू बिलीव के सारे सिंगापुर से कहीं स्मेल नहीं आ रही, बिल्कुल एक एरिया मैंने कहा यहाँ से क्यों स्मेल, पता चला वहां पे वही जो होता है ना हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी इंडियन, वो कोई एरिया कंजेस्टेड जैसे होता है, ओके ओके, तो उस एरिया में जो थी वो स्मेल आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से वो डील कर, नॉट ओनली बाथरूम अदरवाइज भी आपको गार्बेज वो चीजें सारी, तो ये एक इसकी भी एक पूरी इकोलॉजी है, बिल्कुल पर्सनल लेवल से शुरू होके आपका घर, फिर आपके घर के बाहर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो हमें तो बच्चों ने मिसाल देते होते थे कि घर की और बाहर की भी सफाई की भी, कि अगर आप इर्द गिर्द साफ नहीं रखते तो ऐसे ही है कि आपने अपना नाक इधर साफ किया और मुंह पे लगा दिया, ऐसे ही है बिल्कुल। तो आपने चल के तो वहीं से आना, एग्जैक्टली, तो ये हाइजीन स्टार्ट फ्रॉम योर पर्सनल सेल्फ, यस ठीक है, एंड इट स्प्रेड्स और ये जाती है इर्द गिर्द, आपका जो माहौल है उसको आप कितना साफ रखते हैं। और मैडम बच्चियों के लिए ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक पूरी नस्ल ने उनसे चलना है, अगर एक है सिखाना है, एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, साफ रहने के रखने के, तो वो सीखेंगे तो आज की बच्ची कल की माँ है और कल की नानी दादी है, और अगर वो खुद को अपनी हाइजीन को ही एक्सप्लोर नहीं कर पाई है अपने कॉलेज में अपने स्कूल में, तो वो फिर आगे बढ़ के भी उसको नहीं कर पाएगी। और मजे की यह बात है जी, प्लीज, यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाती हुई थी, अब वो आपको पता है बच्चियों ने अब काले काला वो बहुत लंबे बाय पहने, मैं अब उनको देखती थी चल रही है, अब जमीन के साथ ना वो लंबे गुजरी जा रहे हैं झाड़ू लग रही है, अब उनका नीचे नीचे ना वो पूरा जो एक बॉर्डर है बिल्कुल गंद से लिथड़ा हुआ जैसे, बिल्कुल ऐसे। मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा ये मुझे बताएं कि ये भी क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, हाँ जी जमीन तक, तो मैंने कहा आप में इतनी भी स्किल नहीं है कि इसको जमीन से उठा के उसकी हैमिंग कर लें, बिल्कुल आपको कोई उलझन नहीं होती है कि आपके साथ गंद चल रहा है, गंद चल रहा है और लगा हुआ है और आप उसको कैरी कर रहे हैं, तो खुदा के लिए, तो ये एक सेंसिटिविटी जो है ना, सेंसिटिविटी टूवर्ड हसासियत, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर यहाँ पे आप सफाई की बात करें बजाय उसको इस्लाम की बात कहने के, सही बात है, उसको क्या कहा जाता है, हाँ जी उन्हें बारो हो गया, अगर ना उन्हें ना नखरे बड़े हो गए तो मैं हैरान ही होती हूँ कि भाई सफाई आपके मजहब में जितना जोर दिया गया है किसी, बिल्कुल, और जब आप फर्स्ट टाइम जाते ना बाहर, तो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस यही होता था कि बाहर टॉयलेट्स के यूज करने पड़ेंगे, क्या करेंगे ये वो, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब मैं गई तो मैंने कहा है ये, हाँ तो मसला ही तो बहुत, वो लोग बहुत साफ है, और इधर पब्लिक टॉयलेट्स का आपको पता है क्या कॉन्सेप्ट, पब्लिक टॉयलेट्स इंटरनेशनली मैं आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज माशाल्लाह, और वहां पर वो लोग यूज करते हैं एंड देन उसको टिश्यू से साफ करके वो टिश्यू एक्चुअली डस्टबिन में फेंकते हैं,
और इवन जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनको भी रोल करके हमारे यहाँ बाथरूम्स में है ना पब्लिक टॉयलेट्स में तो आपको खुले हुए पड़े होते हैं, बेशक फीमेल्स हैं यार औरतों नहीं अंदर जाना है, सफाई भी पर स्मेल तो आती है मतलब एंड That is not hygienic. जैसे ये कहना कि हम अपना आप यूं करके ना निकल जाते हैं पीछे ठीक है जो भी वो कर रहा है जिसने, मैं ये कहती हूँ कि किसी सफाई वाले ने भी अगर उठा रहा है सैनिटरी वर्कर ने भी उठाना उसका भी ख्याल वो भी इंसान है ना तो यू शुड थिंक अबाउट देम आल्सो तो कोई थोड़ी सी रीजनेबल छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट मेरा ख्याल है इतना छोटा नहीं है। नहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इनका और अगर हम आज अपने बच्चियों बच्चों को नहीं बच्चों और बच्चियों को नहीं सिखाएंगे क्योंकि जिस आपने तो एक ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी को हेड किया लेकिन मेरी सारी जिंदगी एक को एजुकेशन में गुजरी है एग्जैक्टली आई हैव प्रीटी मच आईडिया ऑफ दैट आल्सो। अगर हम लड़कियों को ही सेंसिटिव नहीं बना सकते अपनी हाइजीन के बारे में तो हम लड़कों को कैसे सिखाएंगे कि भाई लड़कियों के जब ये फेज चल रहा होता है जिंदगी का तो यू हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम एज वेल। तो वो जो वो जेंडर सेंसिटिविटी है वो बाद में आएगी, पहले खुद तो सीख लें। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि इस प्रोसेस के बाद आप अभी इतनी हसीन हैं तो आप यकीनन जवानी में तो और ज्यादा खूबसूरत होंगी तो जब कभी नहीं लगा जब शादी का मरहला आया डॉक्टर साहिबा तो ये बताएं कि शादी आपने अपनी मर्जी से की या वालिदैन की मर्जी से। ये देखिए आप जिस जमाने की बात कर रही है ना जी जी आजकल लोगों को बच्चियों को घर से नहीं दे रही है सुनते तो जमाने में कहां से लव मैरिज बुला। लेकिन फिर ये मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरी अगेन आई विल कोट माय मदर माशाल्लाह कि ये उनको मैंने आपसे कहा ना कि रिलीजियस चीज है लेकिन इन अ राइट वे ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये उनकी 100% शी वाज श्योर कि लड़की की मर्जी के बगैर शादी नहीं करनी, उसकी शादी जो है ना वो जायज नहीं। आंटी को तो मिलना जरूरी है मिले और आप उनसे मेरा कल एक सेशन उनके साथ करना चाहिए मुझे वो बल्कि अभी अली उनके साथ कोई 2 घंटे बैठ गए मुझे कहते हैं यार नानी बड़ी वाइज है मुझे बातें इसे तेनु हुन पता लग गया है। नहीं वो उनके पास काफी रहा ऑब्वियसली तो वो एक जिसे कहते हैं ना अरेंज मैरिज बट विद द कंसेंट डेफिनेटली ठीक है डेफिनेटली तो वो ऐसा नहीं था कि बस जो इम्पोज असी मुंडा पसंद कर ले तू भी कर ले नहीं 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 बल्कि एक आध जहाँ पे था मैंने थोड़ी सी वेरी स्लाइट शो किया था कि मैं आई एम नॉट दैट पेशेंट टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल यस तो बस उसके बाद बात खत्म हुई थी। ओके सो हाउ वाज मैरिज यानी आप अपने अपने खानदान में तो यू वर लीडिंग एवरीथिंग जब शादी होती है तो एक बिल्कुल चीजें बदल जाती हैं सो डिड दे चेंज इन अ गुड वे फॉर यू और यू हैड टू एडजस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स क्या आपको बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ी अपनी जिंदगी अपनी जात में। ये एक बड़ा गहरा सवाल है गहरा भी है पेचीदा भी है और बड़ा मल्टी डायमेंशनल डेफिनेटली काफी एंगल्स है देखिए कोई एक आध एंगल खोल लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत कुछ चेंज होता है हाँ जी और हुआ करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारी फैमिली बड़ी छोटी सी थी ठीक तो मेरे इन लॉज माशाल्लाह काफी बड़ी फैमिली थी ओके ठीक है ओके और आप जॉइंट फैमिली में गए जॉइंट फैमिली में ओके दूसरी लेकिन उसमें जो एक मजे की बात थी कि मैंने जैसे कहा जहाँ मेरी मदर बड़ी वाइज है वहाँ पे वो बहुत ट्रेडिशनल भी थी ओके और इसलिए उनको कुछ चीजें पसंद नहीं थी जो मेरा दिल चाहता था करने को ओके तो वो मुझे इजाजत नहीं होती थी। अच्छा अम्मी की तरफ से शय नहीं थी आपको जी यानी होता है ना आजकल बच्चियों को अब ये ससुराल में ये हो गया बेटा तुम छोड़ो घर वापस आ जाओ नहीं 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 वो एक अलग है उसमें मैं आती हूँ मैं ये इसमें बात कर रही हूँ कि मुझे मैंने जैसे आपसे कहा ना कि लिटरेचर का शौक था माशाल्लाह अब मेरी मदर के ख्याल में वो झूठी कहानी है तो मुझे वो नहीं पढ़नी चाहिए थी। अच्छा तो इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी दोस्तों एक मेरी थी उनकी किताबें में ले गए तो मैं पढ़ती थी ठीक ठीक है ठीक। इसी तरह मुझे म्यूजिक का बड़ा था मुझे अच्छा। गाने सुनने मेरे वाले साहब को बहुत अच्छे लगते थे लेकिन वालदा लेकिन मदर जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल थी उनको नहीं पसंद थे ठीक है। तो इस फिर ये कि हम मेरी भी इवन शॉपिंग जो थी वो अम्मी करती थी इट वाज नॉट लाइक दैट कि हम बाजार जा रहे हैं और चलो जी कजन कजन मिलके अपनी सौदे लिए अपनी चीजें पकड़ लाए हाँ नो तो वो शॉपिंग वो करके लाती थी जो वो ला देती थी हम उसको असी पालने सी अच्छा ठीक है। तो ये इस तरह की जो आजादियां थी ना मतलब हमें ये नहीं पता था कि एक टांगा में बैठना या वैन में बैठना ये हाउ डू वी हैव टू डू बिकॉज मेरे एक ताया थे उनकी गाड़ी होती थी इकट्ठे उसमें चले जाते थे मेरे वाले साहब के पास स्कूटर था
तो वो पिक एंड ड्रॉप कहीं मतलब हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने यूज नहीं करवाई थी, पब्लिक इंटरेक्शन नहीं थी, तो दुनिया में कैसे चलना है, ये आपने कब शादी के बाद सीखा? जी, अरे तो ये जो पब्लिक इंटरेक्शन था ना, बल्कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ मेरी नाम है उसके साथ फिर मैंने उसको हंसते थे, मैंने कहा वो जो वैगनों पे उसने मेरी जो आपकी ट्रेनिंग कराई है आपकी सिस्टर इन लॉ के, मुझे याद है एक दफा मेरी खाला के साथ मैंने जाना था, वो कैंट में ना से गुजर एक नंबर बस, इतनी बड़ी खाली बस, अब वो मेरे साथ ना, तो मैंने एक बस आ गई, कहती है मैं उनके साथ थी, तो बस की सीटें सारी भरी हुई थी, तो मैंने खाला से कहा, मैंने कहा और ये कोई मैं तब शुरू हो गई थे कॉलेज, तो मैंने कहा खाला बस तो भरी हुई, कहती है इधर आ तू किधर भरी हुई, उनका मतलब कि खड़े होने की सारी तो खाली जगह है खड़े हो जावांगे, तो वो दिस वाज यू नो माय ट्रेनिंग ओके। तो वो फिर जो मेरी नन है उनके साथ, वो बड़ी मास्टर थी, तो उनके साथ फिर मैंने ये सारा जो है ना फिरना फिराना वैगने बदल हम शहर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, सो दैट वाज फन आल्सो बट इट वाज डिफिकल्ट आल्सो डेफिनेटली। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी जैसे आप कह रहे हैं ना ऑन द कॉन्ट्रेरी माय मदर वाज के हमें कुछ नहीं बताना, फोन करके ससुराल की कंप्लेंट, फोन तो उस जमाने में आपको पता है हाँ जी लैंडलाइन से बहुत शाज़ो नादर ही किसी के पास होते थे, तो वो उसकी उस वक्त की जो फिलॉसफी थी ना वो ये थी, विच इज गुड इन अ वे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि तवाज़ुन होना चाहिए, वो ये था आई एग्री के जी चूंकि ये रिलेशनशिप है कि वी आर ऑट टू रिस्पेक्ट देम, यस उनकी इज्जत करने का, बिल्कुल ठीक है, ठीक, अगर तुम कोई उनके बारे में हमें बात बताओगी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती या कोई रंजिश है व्हाटएवर आपको बिल्कुल होती है, तो फिर हमें इज्जत तो फिर भी करनी है, तो वो चीज दिल में, लेकिन हमारा दिल जो है ना वो खट्टा हो जाएगा, खट्टा अच्छा नहीं फील करेगा, सही बात बिल्कुल, इसलिए जो हम बेहतर है कि हमारे हमें ना पता हो, वाह क्या बात, तो उस चीज की वजह से और कुछ और वजह से, सो आई नेवर शेयर्ड एनीथिंग विद माय मदर एंड शी नेवर आस्क्ड मी इवन, क्या बात है नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं पूछा अभी तुम कैसे क्या चल रहे है या क्या कैसे जी रही हो बेटे, हाँ, तो अच्छा। वो बल्कि अभी कहता मुझे कहती नहीं अच्छा मेरे कर आई सर्वाइव उस उन सर्कमस्टेंसेस में वही ठीक था, बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये इसमें भी तवाज़ुन होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है मेरे हालात को उतने नहीं थे कि मुझे एक ये अगर आ गया हुआ था तो मैं बड़ी कोई सफर कर रही, लेकिन कुछ ना कुछ जिंदगी में आप होता ही रहता है ऊपर नीचे बिल्कुल, तो आप नहीं करते, लेकिन ये भी अब जो शुरू हो गया हुआ है ना कि हर वक्त रोज घंटों रिपोर्टिंग, आई डोंट लाइक दैट, आई माजरत के साथ माओं के साथ भी और बेटियों के साथ भी, बिल्कुल आपका घर है उसको चलाना सीखें, बिल्कुल, और ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और, इनमें से जरा बाहर आ जाए, बिल्कुल ठीक है, और कहीं भी जैसे ना बेड ऑफ रोजेस कहीं नहीं है, नहीं होते, तो कितनी एडजस्टमेंट जरूरी है, कितनी करनी है वो होनी चाहिए मुझे, बल्कि कल ही मेरा कौन बता रहा था, आई थिंक माई वो फादर की सेइंग मुझे कोट कर रहे थे, अच्छा यही बात कि जो लड़कियां बच्चियां जो है ना जो शुरू के कुछ साल होते हैं डिफिकल्ट बहुत, वो निकाल लेती है ना, हाँ जी, तो उसके बाद उनकी शादी चल भी जाती है मुश्किलों से निकल जाती है, और उनको रिवॉर्ड भी जितना वो समझती है ना उसके से ज्यादा मिलता मिल जाता है, लेकिन अब मसला ये हो गया है कि आप देखें आपका डाइवोर्स रेशियो भी कितनी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा, जहाँ पर हम मैंने कहा एक तवाज़ुन की जरूरत है, एम्पावरमेंट की जरूरत है, बिल्कुल, लेकिन हर वक्त मुकाबलेबाजी की जरूरत नहीं होती, नहीं होती है, और हर हालात के हिसाब से आपको चलना होता, मतलब अगर आप उसी वक्त स्कोर सेटल करना चाहते हैं ना तो वो ठीक नहीं, तो है कोई रिश्ता भी नहीं चलता। मैंने एक दफा रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें ये जो कोई फैमिली लॉयर होते हैं ना उनका अखबार में आया हुआ था, वो कहते थे जब हम जितनी भी डाइवोर्सेज होती हैं उनकी अगर हम रूट्स पे जाएं बिल्कुल तो बिल्कुल एक छोटी सी बात होती है जिसकी जो सॉल्व से शुरू हुई होती है और जो सॉल्व की जा सकती जी, उसको तो मैं इसको कहूंगी से जिसे कहते हैं स्नोबॉल इम्पैक्ट, बिल्कुल, तो उसको आप बढ़ाई जाते हैं ये रिश्ता मुकाबलेबाजी अगर आप करें ना तो उसमें फिर नहीं चलता, बिल्कुल सही, मेरा ख्याल है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, और अब मेरी कुछ खूबियां हैं मेरी खामियां हैं दूसरे बंदे की खूबियां हैं उसकी खामियां हैं, बिल्कुल, तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कुछ ग्रेस मिले मेरी
उन वीकनेसेस की बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे ग्रेस देना भी सीखना चाहिए ना। एब्सोल्युट ठीक है। तो अगर मेरा तो ये होता है अगर कभी किसी को गुस्सा आए तो आप चुप कर जाए, अगर आपने कुछ कहना है तो फिर आप किसी ऐसे टाइम पे कहें जब दूसरा उस मूड में नहीं है। लेकिन जब हम एक ऑफेंसिव मूड में होते हैं ना, उस वक्त अगर हम जब आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं ना, तो फिर देयर इज नो लिमिट, नो वन इज लिसनिंग, यस एवरीबॉडी इज टॉकिंग टॉकिंग, वो एंगर को हम पाइल अप कर ही जाते हैं और हम फिर ऐसी बातें कह देते हैं, फिर बाद में हम कहते हैं ये हमारा ये मतलब नहीं था। तो जिन बातों को आपको बाद में ये कहना पड़े कि मेरा ये मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दैट फलाना फलाना ढमकाना, सॉरी, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। True, I agree that. इसलिए ये जिंदगी को जीना एंजॉय करें, एंजॉय करके जीना चाहिए। हाँ। और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब बर्दाश्त जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, जो पिछले जमानों में तो बहुत सिखाई जाती थी, आजकल के दौर में बच्चियों में और बच्चों दोनों में ही फुकदान है, दोनों में ही फुकदान है, और उसकी वजह से वो इम्पैक्ट जो है ना हमें रिलेशनशिप्स में नजर आता है, आगे आने वाले साल भी नहीं चलता है रिलेशनशिप और अलग हो जाते हैं। देयर इज नो हार्म अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसे छोड़ देना, मैं वही कह रही हूं कि वो एक अलग बात है, ऐसा नहीं मैं ये कह रही कि आप जरूर ये करें, लेकिन ये छोटी छोटी मेरी सालगिरह याद नहीं रही, मेरी फलानी पे आया तो उसको मेरी सहेली को अच्छा नहीं पूछा, या मेरे साथ ये नहीं किया मेरा जोड़, आई मीन ये छोटे छोटे से जो गिव एंड टेक्स है ना, उनको थोड़ा सा मैनेज कर लेना चाहिए। हाँ, उसमें ग्रेस दे दें, आप अपर हैंड पे आ जाते हैं। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके जो हस्बैंड है माशाल्लाह, वो आपको इसी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं जैसे आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं? उन्होंने भी आपके लिए एडजस्टमेंट्स किए होंगे डेफिनेटली जिंदगी में, ससुराल से बातें भी सुनी होंगी कि कम कर दिए, फॉरवर्ड थिंकर है? नहीं, उन मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो ससुराल भी थे, मेरी मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, दे वर वेरी हैप्पी। अच्छा, क्योंकि मेरी शादी इस चल पे हुई थी कि इसकी एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, बिकॉज आई वॉज इन थर्ड ईयर। अच्छा, आपकी तो बहुत जल्दी शादी हो गई। जी, इसलिए कि मेरे मियाँ साहब का प्लान है कि उन्होंने शायद बाहर जाना था, तो अच्छा, वो उनकी मदर उनको जाना नहीं देना चाह रही थी, तो इसलिए वो हाँ, वो आपके जरिए उनको बांधना चाहती थी कि यही रुक जाइए। अच्छा, तो वो खैर वो उस तरह से गए भी नहीं, उनको एक वो एक अलग मौजू है, वो शरीर होम से हो जाते। अच्छा, तो लेकिन उसमें ये है कि वो हमेशा मेरी अचीवमेंट्स पे दे हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी, रादर आई मिस देम नाउ कि वो जैसे मेरी सिचुएशन रही है एज अ वाइस चांसलर एक एकेडमिया में, दिस इज द हाईएस्ट सीट यू कैन गो टू, एब्सोल्युटली, तो आई मिस देम दैट दे कुड सी इट। यस, तो ये इशू तो नहीं था, क्योंकि इसमें उनका जितना भी मैं गई हूँ बाहर स्कॉलरशिप्स पे बच्चों को छोड़ के सारा, तो वो दे वर विद मी। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव बीन वन लकी वुमन जिसके जिसके करियर में उसके मतलब घर वालों ने इतना हिस्सा डाला है कि मतलब आप अपनी स्कॉलरशिप्स के लिए दुनिया घूमी आपने और बच्चे छोड़ के गई हैं, तो माशाल्लाह, और बच्चे भी माशाल्लाह होनहार निकले हैं सारे। माशाल्लाह, मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो बेचारा अली वाज आई थिंक 8। अच्छा, और जैन वाज अली 13 के थे, दूसरा बेटा जो था वो उसे 5-6 साल छोटा था, मैं 8 साल का था, मतलब छोटे ही थे, छोटे ही थे, तो वो बड़ा मुश्किल 3 महीने के लिए था, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड फॉर देम। 3 महीने माँ का बिल्कुल 13 साल के बच्चे से दूर हो जाना एक ऐसे दौर में जहाँ फोन कॉल बुक करानी पड़ती है बाहर बात करने के लिए, महीना उनसे बात ही नहीं, और भी मैंने बड़ा मुश्किल से कार्ड खरीद के अभी हेलो हेलो ही करते में खत्म हो गया, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मैंने अब करना है, मैं भी कर दी, पूरी बात भी नहीं है, और वो उसमें डिस्कनेक्ट भी हो गया, क्रेडिट भी खत्म हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मदरहुड कैसा रहा? हाउ वाज मदरहुड फॉर यू? अली पहले पैदा हुए, उसके बाद जैन, फिर दानियाल, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आपकी चाहत थी कि आपको भी अल्लाह ताला बेटी देता, उसकी कोई जस्तजू जिसकी कोशिश में 3 बेटे हो गए? या नहीं नहीं, मैं अभी भी जो है ना, मेरी कोई बहन नहीं है, आई नो, ठीक है जी। तो मेरी मदर ने एकदम एक जुमला बोला, मुझे कहती है मुझे बड़ा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारी कोई बेटी भी नहीं है, तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है, तो कोई इस तरह से खून ही रहता। मैंने उनको हंस के मुझे, और वाकई भी जैसे मैंने कहा, अम्मी मैंने अपने आप को कभी इतना मजलूम नहीं समझा जितना आपने समझ लिया है, जितना मुझे बता रही है। तो मैंने कहा, अरे तो मेरी बहन नहीं थी तो आई नेवर यू नेवर फेल्ट इट कि होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है ये वो है।
अल्लाह का शुक्र है, जो होता है ना मैं उसको एंजॉय करती हूँ। ये बड़ी अच्छी खूबी है डॉक्टर साहब आप में, बहुत ही अच्छी खूबी है। हाँ तो यस, तो इसी तरह से जो बेटे हैं मुझे ये नहीं था कि जरूर होनी चाहिए, मुझे सिंपल ये होता है कि सेहतमंद अच्छे अल्लाह ताला बच्चे दे, बच्चे दे बिल्कुल, चाहे जेंडर के ऊपर मैं जिद नहीं लगानी। बिल्कुल सही बात है, दो बच्चे हैं तो दो ही है, ठीक है, तीसरा तो फिर बोनस में आ गया ना आफ्टर वाला बोनस में आए बट वी हैड जस्ट प्लान ओनली टू। अच्छा ठीक, तो उसमें ये नहीं था, बस वो मैं ये कहती हूँ अभी भी मेरे आगे बेटों के भी हमारे दो दो बच्चे हैं, तो मैं उसमें एक ही दो बेटियां एक एक बेटा बेटी है, हाँ। तो नॉट फॉर दैट स्पेसिफिकली कि जरूर बेटा है या बेटी है, बिल्कुल मुझे तो यही है क्योंकि आई हैव अ स्पेशल ब्रदर और मेरी मदर का भी और हमारा भी अल्टीमेट इज के एक हेल्दी माशाल्लाह बच्चा हाँ। जो है ना और बच्ची बहुत बड़ी नेमत नॉर्मल, बस इसके ऊपर इसकी दुआ करें जो भी दे। ये अभी मुझे कल बल्कि परसों तरसों कोई बता रहा था कि किसी के बेटी के चक्कर में उन्होंने कोई 8 बेटे पैदा कर लिए इतनी डेस्परेशन, यानी ये उलट है कि तो मैंने सुना हुआ है ना कि बेटे के लिए 8 बेटियां पैदा कर दी। मेरे अपने घर मेरी मुलाजमत थी, आप यकीन करें उसकी 13 बच्चे थे, क्योंकि 8 बच्चियां पैदा हुई, उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ, फिर उसने कहा अगले साल बाजी हुने दा जोड़ा बनाना है। I was like, oh my God, अच्छा एक बेटा पैदा हुआ 9वां, फिर उसके बाद 10वां, 10 बच्चे हो गए। मैं कहा हुन नहीं, ओ जड़ा ना हुन उन्हां नाल कोई खेडन लाते होए, ओ भाई ये कौन लोग हैं जिन्होंने 13 साल जिंदगी के इस एक ही काम में गुजार दिए। डॉक्टर साहब मदरहुड जो था और ब्रेस्ट फीडिंग एट अ टाइम व्हेन यू वर वर्किंग आल्सो, कैसा एक्सपीरियंस था, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? देखिए इट वाज डिफिकल्ट, क्यों स्पेसिफिकली जब मैंने जॉब शुरू की थी तो जो जैन था सेकंड, ही वाज जस्ट आई थिंक अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, रादर अगस्त, ही वाज इन जुलाई और सितंबर में मैंने शुरू कर दिया। 2 महीने का बेबी नौजायदा ही होता है, अभी तो छिला ही खत्म हुआ होता है। ये ऐसे ही था, तो मुझे बड़ा इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लीव हिम एंड देन टू डील विद ऑल दैट फिजिकली, बिल्कुल, एंड देन कम बैक एंड देन यू नो वो और तो, वो सारा इंसान की हालत खराब हुई होती है। ये भी नहीं था कि आप उसको बॉटल्स में सेव कर लें या उसको अपने आप को महफूज करने के लिए या अपने कपड़ों को बचाने के लिए आपके पास कोई ऐसी चीज ही नहीं थी, कोई कॉटन पैड्स वगैरह नहीं थे जो आप रख के अपने आप को इस वजह से करते करते मेरा हल है वो फिर यही था कि जैन बेचारे के हिस्से कम ही आया ऐसे ही होता है, जाहिर सी बात है। फिर जब आपने काम भी करना है वो भी तो साथ, अच्छा कभी जहन में आया कि अच्छा ये बच्चा भी बहुत छोटा है तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ या नहीं? नहीं असल में वो जॉब ऐसी थी उसमें आप ब्रेक नहीं ले सकते थे, हाँ। लेकिन उसमें मेरा एक फिर एक ये जरूर है, ये मैंने जरूर तय किया हुआ था कि मेरे बच्चे जो है ना वो सिर्फ किसी मेड पे नहीं रहेंगे, इग्नोर नहीं होने चाहिए। तो I was lucky, जैसे मेरी शादी जल्दी हो गई तो my mother was young, समझ रहे हैं उनकी एनर्जी सारा कुछ, तो मैंने ये जो एजुकेशन कंप्लीट की है ना सारी, ये उनकी इस वजह से की है कि she babysit my boys. Okay. जब मैंने MA में एडमिशन लिया तो अली कोई 2.5 साल के थे, अल्लाह जी, तो मैं उन्हीं के पास उनको छोड़ के जाती थी, तो अम्मा थी सुपरवाइज करने के जी उनके। मैंने ये मुझ में नहीं था कि मेरे पास अगर कोई बड़ा नहीं है से ब्लड रिलेशन जो कि बच्चे के साथ से तो मैं चली जाऊं और पीछे से उनको किसी के हवाले कर दूं मुलाजमा के और वो जो मर्जी उनके और साथ वो दौर ऐसा भी नहीं था जहां नर्सरीज होती थी नहीं थे, तो आई वाज लकी इनफ कि वो मेरी मदद थी और उन्होंने फिर इसी तरह जैन भी जब था हालांकि 2 महीने का था तो वो 2-3 महीने तो उन्होंने खुद ही उसको फिर मैनेज किया, फिर एक हमारी कोई थी बच्ची उसको फिर साथ रखा, सही। तो इस वजह से मुझे वो सुकून रहा कि मुझे पता था कि दे आर इन बेटर हैंड्स देन मी, क्योंकि वो इतनी मोहतात है ना तौबा ये जिस मतलब बहुत ही ज्यादा केयर करने के हवाले से, तो इसलिए मुझे कोई ये नहीं होता था कि अदरवाइज मुश्किल होना था बहुत। अच्छा डॉक्टर साहबा शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर बच्चे जवान हुए और अली निकल आए माशाल्लाह, होनहार थे, सिंगर थे, NCA में थे, मोस्ट वांटेड थे उस वक्त भी,
तो अली की वालदा बाय द गर्ल्स ऑफ कोर्स, तो मुझे ये बताएं कि अली की वालदा होने का चैलेंज कैसा रहा, यानी एज अ एक हैंडसम बेटे की माँ होने का चैलेंज होता है बहुत बड़ा, ये कि जाहिर सी बात है सब तरफ से लड़कियों की मतलब एक अवेलेबिलिटी होती है और हर बंदा ही कह रहा होता है कि हम साड़ी कुड़ी ले लें साड़ी कुड़ी ले लें, ये वाली चीज, और ऐसा कोई चैलेंज नहीं था? ऐसा कोई चैलेंज नहीं, मैं इसमें आई नहीं हूँ और मुझ तक आया नहीं. वाओ, वेरी गुड. सिंस मेरा ख्याल देखे ना, वो आयशा के साथ उसकी बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी. हाँ, तो ब्यूटीफुल थिंग इज कि वो खुद ही ग्रो की है ना एक दूसरे के साथ, माशाल्लाह. तो वो आयशा को चैलेंज हो सकता है. That was a very good one. आयशा को चैलेंज आया हो तो. कभी कोई खून में भरे खत नहीं आए मोहब्बत नाम में, कोई लव लेटर लेटर वेटर या कुछ इस तरह से चीजें तो वो आ जाती थी. अच्छा. लेकिन बहुत ज्यादा तो वो जमाने तो थे फोन कॉल्स वाले, तो फोन्स तो बहुत आते होंगे घर पे, डम कॉल्स यानी या मिस्ड कॉल्स. उस वक्त अली अभी इतना वो अभी स्टूडेंट ही चला देखना पैरेलल तो उसने. हां जी बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज नॉट लाइक दैट. ठीक है कि घर में इतनी फोन आ रहे हैं या चीजें आ रही हैं. सही. तो वो उस दौर में जब ये एक एमर्जिंग आर्टिस्ट थे, मैंने ही वाज वेरी पॉपुलर इवन देन. यस, लेकिन इतनी कोई हादसा हुए नहीं मेरे सामने नहीं हुए उसके साथ, लेकिन काफी हुए. डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ कुछ वो शेयर कर लेता था. तो वो बल्कि एक दफा कहता था कि जितनी मेरे साथ हुआ हुआ है ना, जितनी मेरे नाल हुई है ना, तो मैं अगर बताऊ ना तो जितनी हरासमेंट मेरे साथ हुई हुई है. सही बात है, सही बात है. आई एग्री एंड आई नो दैट. या दैट आई नो. ठीक है. हाँ. तो ये उसने खुद ही डील किया होगा उसके साथ. हाँ. लेकिन ये है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ये. देखिए, ये समझा ये जाता है कि सिर्फ लड़कियां ही हरासमेंट का शिकार होती हैं, लड़के भी बेचारे हरासमेंट का शिकार होते हैं. उनकी हरासमेंट का डिफरेंट एक तरीका होता है. लड़कियां बाज़ूकात आपके ऊपर ओवरवेलमिंगली गिरने की कोशिश कर रही होती हैं. एक दफा पता नहीं कोई बात हो रही थी, मुझे कहते हैं यार आपको पता है व्हेन समवन इज फॉलिंग ऑन यू यू कैन नॉट देन यू रेजिस्ट, इट्स वेरी दैट इज अ स्टेट व्हिच इज यू नो सम काइंड ऑफ एंड ही हैज डन दैट अ लॉट. आई एम श्योर. तो ये इस तरह की मतलब जो चीजें हैं ना, वो तो घर छोड़ दें मेरा ख्याल इनको, वो किसी और तरफ निकल जाएंगे. हाँ जी, सही बात है. लेकिन ये है कि नेचुरल है. और दूसरा, वैसे पाकिस्तान में इतने फिर ये एक आ जाएगी. नहीं, बताएं, मजे की बात आ रही है. मजे की बात आ रही है कि मेल हैंडसम जो है ना वो बड़े काम है. यही तो कहने लगी थी आपको कि एक हैंडसम बेटे की माँ होना भी एक चैलेंज होता है. तो इसलिए फिर वो बच्चियां बेचारी भी क्या करें. वो मैं उनको भी नहीं कुछ कहती, वो एज ऐसी होती है, एज ऐसी होती है जिसमें बंदा फिसलने की कोशिश कर रहा होता है. तो कोई बात नहीं है, ठीक है. ओके, अब आ जाए, अब जो नया दौर है, दानियाल है और आप होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रही हैं, तो लड़कियां ही लड़कियां थी और कॉन्सर्ट भी होते होंगे, जाहिर सी बात है. कभी दानियाल का कॉन्सर्ट भी हुआ होगा, तो कभी ऐसा हुआ कि लड़कियां ओवरवेलमिंगली आपकी तरफ आ रही होंगी, शायद हमें ही कोई बहू बना ले किसी तरह. मैं बल्कि ना इस वजह से एक्स्ट्रा केयरफुल रही हूँ. ये एक बहुत समझदार माँ होने की निशानी. मैंने अदरवाइज भी हमारा एक अनसेट रूल है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखते, मर्ज नहीं करते. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. इसलिए मुझे बड़ी दफा वो कहते रहे कि स्टाफ टीचर्स अली का कॉन्सर्ट कराए, अली का कॉन्सर्ट कराए. बल्कि एक दफा फिर मैंने सोचा भी, बट देन अगेन आई सेड नो. इसलिए कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, आ जाता है. बिल्कुल, वो चाहे फ्री भी करे कुछ भी करे फिर भी होगा, कुछ ना कुछ तो अखराजात आएंगे ही ना. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. साउंड लाइट दूसरा ये वो, तो मैंने कहा नहीं, व्हाई शुड आई डू. फिर इनका एक एनुअल फंक्शन होता है, फिर वो बड़े लगी थी हमारी बच्चियाँ, उनको कोई अरेंज नहीं हो रहा था सिंगर. फिर उन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया आगे. मैंने कहा उस आप ढूंढे अपना, नहीं वो कहते हैं जी हमारा भी कोई राइट है. ठीक है, वो पब्लिक फिगर है, वो मैडम के बेटे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो सारा कोई राइट नहीं. हाँ. इत्तफाक से फिर वो दानियाल से मैंने बात की, तो उसने कहा कि वो होती है ना डेट्स या टाइम. हाँ जी, हाँ जी, उसने कहा ओके अम्मा मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर के लिए एक दो गाने का. मैंने कहा अच्छा ठीक. तो वो फिर उसका मैंने उसको बुलवा के तो करवा दिया. सही. तो लड़कियां दे वर वेरी हैप्पी, लेकिन बस ये इतना ही था.
वो भी मैं रिलक्टेंट ही थी, लेकिन जब उन्होंने इतनी इमोशनल जो हुए कि नहीं, वो लगता था कि फिर मैं, मैंने कहा ठीक है चले जाते जाते। सो प्रोफेसर साहिबा, बच्चे भी अपने अच्छी जगह पर पहुंच गए, दे परस्यूइंग वेरी हैप्पी करियर्स माशाल्लाह, और जिंदगी का सिलसिला भी बहुत खुशी से गुजरा। कोई ऐसी मोमेंट आपको याद है जो आपके दिल के बहुत करीब है, बड़ी इमोशनल मोमेंट है, और आपको, आप उसमें कोई एक खास वजह से वो आपके लिए स्पेशल है? मेरा ख्याल है एक कोई नहीं है, बहुत से मोमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो आपके दिल के करीब है कि जब आपका, जब आप उदास होती हैं, यानी जब मौसम शाम है, खास तौर पर दिसंबर की शाम है, जरा उदास होती है, तो बंदा अपने दिल का एक खाना खोल के उसमें से कुछ दुख निकाल के उनको देख लेता है कि अच्छा भाई ये वाले दुख मैं देख सकता हूँ आज। नहीं, उसमें दुख निकाल के देख के और सैड या सुंदर होने से बेहतर है के अच्छी कोई चीज निकाल के देख ली। ये भी बात ठीक है, कुछ चीजें खुद ब खुद फिसल आती हैं दिल से बाहर। असल में जो है ना, वो एक, मैंने जापान में थी एक दफा क्या, पिछले कुछ 2013 की बात है, सही 3 months के लिए प्रोफेसर विजिटिंग, ओके 10 साल पहले की बात है जी, ठीक। तो मेरा कोई एक महीने के बाद ही, 3 weeks के बाद मेरी पाँव की उंगली फ्रैक्चर हो गई। ओए होए। तो मैं अकेली थी अपार्टमेंट से, तो वो अगला टाइम 2 महीने में अकेले ही थी, जाहिर सी अब बात अली है। और बच्चे बड़े परेशान हैं, वापस आ जाए। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं जब एक कमिटमेंट कर लेती हूँ ना, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनती। अली बल्कि मेरे साथ कहते हैं, यार अम्मा मैं तो 4 दिन बाद था, अब कैसे बैठी रहती है? मैंने कहा बस मैं बैठी रहती हूँ। बट माई पॉइंट वॉज कि मैं उस वक्त, फिर यही होता है कि अपने आप को साइकोलॉजिकली आप कैसे रखें ताकि आप उसमें से गुजर सके। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं फिर ये उस जमाने में फिर कुछ वीडियोस देख, टॉक्स देख, ये वो, लेकिन वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन मैं फिर यही सोचती थी कि जिनको, जो लोग कैद में हैं या जेल में हैं, वो तो इतने बुरे सर्कमस्टांसेस में हैं, तो मेरे पास तो बेडरूम है, उसके बाहर इतनी प्यारी खिड़की है, एक विंडो नजर आ रही है, और आई कैन सी, आई कैन मूव इन, और मेरा अपना एक स्पेस है जिसमें मैं जैसे मर्जी उसमें एक टॉक मुझे बड़ा, उसमें यही था कि आप किस तरह से स्ट्रेस को या डिप्रेशन को डील करें। तो उसमें जो मैं बात आना चाह रही हूँ वो ये है कि ये जो डिप्रेसिंग या नेगेटिव थॉट है ना, इसको अगर आप पहले 15-30 seconds में रिजेक्ट कर दें, उसी वक्त के ये आपका ट्रैक शुरू होने लगा है। कोई भी पुरानी चीज, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो डेलिब्रेटली उसको वहां पर स्टॉप करके कुछ और सोचें तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उस ट्रांस, अगर आप उसमें चले गए कोई 1 minute के लिए, तो फिर वो जो ट्रेल है ना, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती, वो फिर पीछे वही लेके जाती है, और जाती है, जाती है, बहुत लंबा ले जाती है। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगरचे मैं खुद भी इसका शिकार होती हूँ, ये वही होता है जैसे हम कहते हैं कि दूसरों को, औरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत, लेकिन फिर भी बहुत दफा ऐसा यही होता है कि एकदम से अपने आप को आप झटका देते हैं कि फिर मैं वही सोच रही हूँ, तो फिर आप वापस आते हैं कि नहीं नहीं। तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं। मेरी एक और जो चीज है, मेरी मदर को बड़ा गिला रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, अब आ गए कि तुम मेरे साथ कभी दुख सुख नहीं किया। अभी कुछ पिछले साल वो इसी बात पे थी कि माँ बेटी का जो एक होता है, बल्कि मेरे मियाँ को भी ये शिकायत की थी, वो मामा तिया ना कदी नहीं मेरे ना लोसा रखा। मैंने कहा मेरी बात सुने, फायदा क्या होता है? सही बात है, मैं आपको बता दिया, वेरी प्रैक्टिकल डॉक्टर साहब माशाल्लाह। मैंने कहा आपको बता के सिवाय उसमें ऐड करने के, आपका भी धोखा ऐड हो जाएगा उसमें, उसमें निकलना तो कुछ नहीं। दूसरी बात यह कि जब हम इकट्ठे होते हैं 2 घंटे के लिए, फर्ज घर में आपसे मिलने आई हूँ, तो क्या मेरी जिंदगी में अच्छा कुछ नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ? वाओ माशाल्लाह। तो मैंने कहा ये जो हमने एक बनाया हुआ है कि जब भी हम लोग इकट्ठे हों तो दुख की बातें करें, दुख की बातें करें, या एक दूसरों की नेगेटिव बातें करें, या फलाने ने ये मुझे किया था, डमकानी ने ये किया था, वाई शुड वी टॉक दैट? सही बात। और ये बात अली ने भी बड़ा कैरी ऑन किया आपसे? नहीं, कैरी ऑन मुझसे तो क्या की, उसने खुद इसके ऊपर बड़ा, क्योंकि जब ये बड़ा बिजी हुआ ना बहुत ज्यादा ऑफकोर्स, तो अब हमें पुराना जमाना था, उस वक्त ये आदत होती है गपे में लगाने की, बैठे फैमिली टाइम, तो
मुझे याद ऐसे कहीं जाना था तो ये या क्या था, आया तो 2 मिनट बैठा या कुछ है, तो इसी तरह की कोई होगी कोई बाद में आया नहीं या रफर ने कुछ कोई, इसने पता क्या कहा कैसे, कहते अम्मा मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं उनमें कोई नेगेटिव चीजें हम अगर बैठे हैं ना तो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट दैट टाइम इन दिस। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैंने उस वक्त से ऐसी उससे भी प्रिपे किया कि वही बात है कि बच्चे अगर आपके पास थोड़ी देर के लिए बैठे हैं तो आप उनके साथ अपना खोल के बैठ जाएं। तो नॉर्मली माए क्या करती हैं कि लड़का बेचारा बाहर से आया काम करके तो तेरी थी बुढ़ी ने ऐ कीता तो उन्हें मेरे सलाम का जवाब नहीं दिता, उन्हें मेरे से नाल गल नहीं कीती, वेख 11 बजे ते उठदी है सुती पई काम नहीं कर दी कपड़े नहीं साम दी। इट्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। मैं ये एक और थीसिस जो मेरा है ना वो ये है कि औरतों को और मर्दों की जिंदगी में 2 ऐसे मकाम है जिस पे शायद उनको कोई काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है या पॉजिटिव एडवाइस की, वो कौन से है? एक जब उनकी अपनी शादी होती है, उस वक्त उससे भी ज्यादा सीरियस है जब उनके बेटों की शादी होती है। बेटों और बेटियों दोनों की शादी के टाइम पर काउंसलिंग होनी चाहिए। नहीं, बेटों की शादी की इसलिए कि जितने चाव से वो शादी करती है उससे अगले दिन ही वो कंपेटिटर बन के बैठ जाती है। ये डॉक्टर साहब आप कितनी अच्छी बातें कर रही हैं कसम से, इसीलिए आपको बुलवाया था कि ये सोच क्यों होती है माँ के अंदर कि भाई अब इसकी शादी तो कर दी है तो उसको अब जाने दे अपनी जिंदगी जीने दे। अब मर्दों में इसके ऊपर मैं बाद में आती हूं, मर्दों का क्या है जब वो रिटायर होते हैं, ओए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उस वक्त देखिए उनकी जिंदगी का ज्यादातर इम्पोर्टेंस उन्होंने ली होती है बाहर से, बिल्कुल इंटरेक्शन भी बाहर है, दोस्तियां भी बाहर है, आउटर वर्ल्ड में, बिल्कुल आउटसाइड वर्ल्ड। घर में जरा कम बेगम भी उस वक्त ऐसी लग रही होती है, बच्चों के साथ भी दोस्त यारों में ज्यादा मजा आ रहा होता है, बिल्कुल। तो जब फिर वो उधर से निकलते हैं ना तो टू फाइंड देयर प्लेस एट होम बिकम्स एंड बिल्ड कनेक्शन और अपनी वैल्यू को किस तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करना है बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसमें मैं अपने फादर को याद करती हूँ ना तो वो बहुत मुझे नजर आता था उनमें कि वो एकदम से वो खुद उनके ही डायलॉग है कि रिटायरमेंट के बाद में बंदा ऐसे जैसे आप ऊपर से ना किसी कुएं में गिर जाते हैं। कुएं में गिर जाते हैं कि अच्छा था। हाँ, तो वो चूंकि और खासतौर पर जब आप एक ऑफिसर होते हैं और इतना जैसे उनका था और वो सारा कुछ उठना बैठना, तो उसके बाद जो है ना वो उसके साथ कैसे आपने डील करना है। अब जैसे मैं इस वक्त मुझे लोग पूछते हैं आजकल आप क्या कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आता इनको मैं क्या क्या बताऊं, फिर मैं क्या क्या कर रही हूं, पोस्ट ही लगा दिया। अब उसमें क्या है, हम औरतें जॉब में होते हुए भी ना हमने घर में भी काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखे होते हैं, बिल्कुल हमारे हर तरफ ये फैमिली रिश्तेदार ये वो है तो वो चल रहे हैं, हमारे रूट्स होते हैं कनेक्टेड, हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता अपनी स्पेस बनाने में क्योंकि हमने छोड़ी नहीं होती ना। एग्जैक्टली, उन्होंने बनानी होती है, उन्होंने बनाई नहीं होती, इसलिए उनको चाहिए। मदर्स का सम हाउ जो हमारा एक ना शुरू से बेटे हम चाहते भी क्यों है कि जी साडा ध्यान रखे, नहीं बच क्यों मुझे बेटा चाहिए, कि बेटा हो जब मैं बूढ़ा हूँ बुजुर्ग हूँ व्हाटएवर एज हो तो ये मेरे कोई देखभाल करने वाला, मैंने को लुक आफ्टर कर ले, ठीक है। जाहिर बेटियां तो पराई होती हैं तो वो तो नहीं कर सकती, ये वो है। एंड वेरी इम्प्रेसिवली होता यही है कि बेटियां जो होती हैं आपकी इन कंपैरिजन, अगर आपके सिर्फ बेटे ही हैं तो एक और बात है, जाहिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर बेटियां और बेटे हों तो बेटियां ज्यादा एक्टिवली आपकी लुक आफ्टर कर रही होती है। अच्छा, अब उसमें मसला क्या है, मसला यही है कि औरत जो भी होती है सेंसिटिव बहुत रिलेशनशिप पे, बिल्कुल, तो बेटी ही औरत ही है ना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। वो फिजिकली अगर दूसरे घर में भी रह रही है ना तो उसका दिल आधा आपके साथ कनेक्टेड ही रहता है। हाँ, तो बेटा अगर आपके घर में रह रहा है और अगर आपकी उसके साथ अच्छी केमिस्ट्री नहीं बनी हुई है जी बिल्कुल, तो फिर आप 2 दुनियाओं में रह रहे होते हैं, ठीक है। वो रस्मन तो आपसे पूछ भी रहे होंगे कुछ भी कर रहे होंगे, तो वो एक उस तरह से बॉन्डिंग नहीं होती, नहीं होती जो, क्योंकि वो मेल है। आदमी जो है ना जिस तरह से वैसे सेंसिटिव होंगे उसी तरह से वो आपके बारे में भी होंगे, सही। तो हमारे आदमी सारी माओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना बीवियों पे छोड़ देते हैं, ऐसे ही ऐसे जो खुद भी नहीं करना ना वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कर रही हो अपनी, मतलब मेरी भाई आपकी माँ है सबसे पहले, बिल्कुल यू नीड टू लुक आफ्टर हर,
सबसे पहले पहले बेशक आप जिम्मेदारियां बेगम भी देख रही है, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल साइड पे करके सारा कुछ उसके ऊपर नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, ठीक है। यू हैव योर रोल एज सन, आप उसको लें, बीवी आपकी साथ आपका साथ दे, यस। लेकिन आप टोटली ये नहीं कि मेरी माँ का तो ध्यान रखे है कि नहीं, तो आज उन्होंने आप कीता है कि नहीं, ये वो इस तरह से बल्कि अनॉयंस होती है, बिल्कुल ठीक है, फेड अप होना शुरू हो जाते हैं उस चीज के अंदर कि यार ये सिर्फ मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। इसलिए ये देखना बड़ा जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मदर्स को मेरी दरख्वास्त, मैं पहले भी एक दो दफा प्रोग्राम में कर चुकी हूँ, कि ये तवक्को रखना कि जैसे वो छोटा बच्चा था या शादी से पहले, चूंकि आप उसकी चीजों को देख रही थी, मैनेज कर, मामा 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 हो रही थी, ठीक है, हाँ जी। तो जब आपने शादी की है तो उसका मकसद ये है कि उसकी बहुत सी इस तरह की लाइबिलिटीज चेंज हो के दूसरी उस पे साथ शेयर्ड हो, हाँ जी। मैं ये नहीं कह रही सारी बीवी पे चले जाए कि बंदे सब कुछ अब उन्हीं के पीछे लगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये तुमने ही मेरे सारे काम करने हैं, अपनी जिम्मेदारी उनको खुद भी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कि एक स्पेस जाहिर है, आप एक बच्ची को लेकर आए हैं उसकी जिंदगी में, तो इसलिए लेकर आए हैं ना कि वो दोनों को अच्छी जिंदगी गुजारे, सही बात, और आपका खानदान आगे लेके जाए जी, और अच्छे तरीके से लेके जाए, तरीके से लेके जाए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो बल्कि टिकटॉक पे मैं एक बड़ा मजे का देख रही थी कि हमारे ना लोगों को अगर मियां बीवी आपस में खुश हो तो सारे खानदान को मुसीबत पड़ जाती है कि ये क्यों खुश है, इनकी ये बन रही है इतनी, तो इनको कैसे करें, इनको कैसे अलग करें, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी। डॉक्टर साहब, दिस प्रॉम्प्ट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, तो हमने देख ली आपकी जर्नी, अब एज अ मदर इन लॉ बताएं कि आपका एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी हाउ हैज दैट बीन। मेरा तो बड़ा सिंपल सा है, वेरी गुड, और मुझे आपकी बात से अंदाजा हो रहा है, और मैं ये चाहूंगी कि आप बल्कि दोनों भी मेरे साथ होती तो शायद वो था ना, खुद से आप जो मर्जी कह रहे हैं लेकिन दूसरा क्या, वो खुद क्या कह रहे हैं, सही बात, लेकिन कुछ वो एविडेंसेस होते हैं जो बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरा सिंपल यही है कि वो मेरी कोई स्पेस नहीं ले रही, ठीक है, वो एक अलग स्पेस है, हमें हर वक्त देखना चाहिए कि मेरी क्या स्पेस है, एक माँ की क्या स्पेस है, वाइफ की क्या स्पेस है, ठीक है, बिल्कुल। तो शादी के बाद एक मर्द को एक औरत की जरूरत है, सही बात है, एक कंपेनियन की जरूरत है, माँ उसकी जिंदगी में है पहले से, माँ की जो भी इमोशनल बॉन्डिंग है वो उसी तरह से है, बट ही नीड्स टू डेवलप अ न्यू बॉन्डिंग, ट्रू ट्रू, आपको अपना रोल प्ले करना है उनकी, बल्कि न्यूनेस में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं ना तो उनको रिजॉल्व करने में, थैंक यू, ना कि उसमें तीली लगाने में, ये मेरे इस खुशी में कि ये मेरे करीब आ जाएगा। Oh my God, आपने बहुत प्यारी बात की कि तीली लगाने में जो है ना, ये जो अभी तीली लगाई है बहुत प्यारी थी। मेरा मतलब है कि उससे हासिल क्या होगा, कुछ भी नहीं, आपके घर का सुकून खराब होगा ना, और उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आपस में ही कोई भी कपल ऐसा होता है जिसके इश्यूज ना होते हैं, वो पता नहीं खुद अपनी एक केमिस्ट्री में क्या कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये उनकी जर्नी है कि उन्होंने किस तरह करना है, उसमें एक आप अपने घुसी जाए बार 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 आगे, वो आपस में भी उन्होंने कुछ बॉन्डिंग करनी है अपनी नाक, तो लेट देम लिव देयर लाइफ, सही बात, लेकिन आस्क फॉर द ड्यू रिस्पेक्ट, उसके ऊपर आप ना कॉम्प्रोमाइज करें, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन मोहब्बत दें पहले, हाँ, मांगने से पहले, बिल्कुल। आप बड़े हैं ना, आप घर में एक बच्ची लेकर आए हैं, ठीक है, उसको वेलकम फील करवाएं, उसको ये मत फील करवाएं कि जी उनमें ध्यान रख रही है कि तेरे को कितनी देर बहन रहे थे, मेरे को कितनी देर बहन रहे, सही बात, पहले तुम्हारे पास आया था कि मेरे पास आया, मेरे लिए की पहले तो ऐसे करता था, अब ये ऐसे करता है, छोड़ देना थोड़ी देर, कोई 6 महीने सिर्फ ऑब्जर्व कर ले, चले सही सबर बात के साथ, सबर के साथ आते ही ना वो हमारे यहाँ, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, खास तौर पर अगर आप मोहल्लों में छोटे उसमें रह रहे हैं, रिश्तेदार क्लोज सिस्टम है, बिल्कुल बिल्कुल, साथ वाली मसाई उठ के आ जाएगी, अच्छा फिर तुम्हारी नौ की कर दी है कि हो जाइए, उठी नहीं, उसकी बजाय आप कहेंगे जी बहुत अच्छी है, सो व्हाट। और दूसरे मेरा ये ख्याल है कि जैसे आप अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करते हैं ना, वही राइट्स आप अपनी वो आप अपने दूसरे लोगों से भी अपनी डॉटर इन लॉज या उनकी बहू है ना, उनको प्रोटेक्ट करें। वाह क्या खूबसूरत बात की, बजाय कि उनकी जो खामियां हैं वो आप या कमियां हैं वो मुझ में भी होंगी एज मदर इन लॉ, डेफिनेटली कोई ना कोई खामी तो हर इंसान है, मैं कोई परफेक्ट मदर इन लॉ नहीं हूँ, बिल्कुल, मुझे नहीं पता उनको मेरी क्या चीज अभी भी नहीं अच्छी लगती होगी, ठीक है, लेकिन हमने इतनी स्पेस जरूर रखी हुई है कि अगर उनको कुछ नहीं अच्छा लगता
तो मुझे बता सके और मुझे अगर कुछ नहीं लगे तो मैं उनसे, और ये हमने शुरू में बजाय लड़कों को बीच में इन्वॉल्व करने की, वी शुड टॉक डायरेक्ट, बिल्कुल, बंदे को सैंडविच ना बनाए उसकी मत मार देती है, मतलब हम माएं भी, माँ भी मोहब्बत करती है ना, और बीवी भी करती है, मकसद तो मोहब्बत ही, दोनों की मोहब्बत जो है ये भी देखने की बात है कि उस बेचारे की मत कितनी सलामत कितनी मत बच गई है उस बेचारे की, तो मेहरबानी करें उनके ऊपर, हम बीवियां भी करें और खावन भी करें, बीवियां भी ये ना लगा के बैठे रहें कि जी हम तो अपनी मां ने बड़ा इंज करना है, एक उनका एक ड्यू जो है उनको देने दें, और आप भी साथ अगर साथ दे देंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि वो ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट उसका डेवलप हो गया है, एंड तो थोड़ा गिव एंड टेक जो है ना वो देना चाहिए, हर रिगार्ड और रिस्पेक्ट जो है वो देनी चाहिए, ये जो होता है ना आते ही वो जी वो नुस्खे बने हुए हैं कि जाते ही बंदे को काबू कर लो, जाते ही सोहरे नु इंज कर दो नहीं तो ताड़े ते सवारी कर रहे, मतलब हम क्या जंगो जदल में जा रहे हैं, सही बात है, रिलेशनशिप डेवलप करते जा रहे हैं, ये काबू करना क्या होता है, सही बात, बड़ी प्यारी बात की डॉक्टर साहब आपने कि ये काबू करने की कोई चीज नहीं है, ये हम इंसान है ना, हमने इकट्ठे साथ चलना है रहना है, ये जो मुझे कई लोग अच्छा किसका किस पे कंट्रोल है, ये क्या बात हुई, किसी का किसी पे भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और कुछ कुछ होना चाहिए सब पर इक्वली, वेरी वेल सेड, कि कुछ कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए और कहीं कहीं भी नहीं भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, सभी का सब पे राइट है ना फिर, बिल्कुल, तो ये जो है ना ये विन कर लेना कि मेरी अपर हैंड हो जाए, मैं एज अ मदर इन लॉ कहूँ, या मेरी बहू कहे कि नहीं इस ये इसका की बजाय मेरा ऊपर हो जाए, कहीं ये उसके ना लग जाए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए, मैं बिलीव मी एज अ बहू भी, मुझे ये कभी फील नहीं हुआ था कि अगर मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड के साथ दो घंटे बैठी हैं तो पता नहीं क्या कर रही हूँ, यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर सेल्फ, अगर तो आपने कोई बहुत बुरे किए हुए हैं तो फिर आप करते रहेंगे ये भी अच्छा है, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो फिर आप कान लगा के सुन ले, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जहाँ तक मेरे इल्म का ताल्लुक है, मैंने कोई अभी ऐसा कुछ नहीं किया, ये गलती नहीं की है, और दूसरी बात है कि अगर वो भी गई है उनको नहीं भी अच्छा लग रहा तो अगर बता रही है या कुछ बने तो बता लेने से क्या फर्क पड़ता है, सही बात है, वो उनका दिल का गुबार ही निकल जाएगा बस, लेकिन होता ये ना डॉक्टर साहब कि माँ से सुन के आकर बच्चे बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं, अब ये बात कि मेल जो है, मैं अभी अपने मेल को ये कहती हूँ कि मेरी बात सुने, इस एज में ना एवरीवन नीड्स टू से शेयर, यस, आप सुन लें, लेकिन जिंदगी में कभी भी एक साइड की स्टोरी सुन के रिएक्ट ना करें, फैसला ना करें, ठीक है, उसका तरीका ये होता है कि आप किसी तरह से खुद से पूछ लें, क्वेश्चन करें भी ऐसा कुछ क्या हुआ, बजाय एक वर्डिक्ट देने के कि उन्होंने मुझे को बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ था, जस्ट आस्क, बिल्कुल, ए जेनरिक क्वेश्चन कि क्या सिचुएशन रही है, क्या किसी भी इसके 100 तरीके हैं, इसमें मुझे बता दें, ठीक, सही बात, ताकि उसको ये वाइफ को भी ना लगे कि जी उन्हें पढ़ा के भेज देता है और देखो आगे मेरी बेइज्जती शुरू हो गई, ऑब्वियसली एज अ वाइफ आई विल फील बैड, डेफिनेटली, ठीक है, हाँ, तो ये अब मर्द की जो स्किल्स है ना, ये उस पे पहुंच के तौर पर उसने कितना काम करना है, हाँ, सही बात, उधर से सुन तो ले ताकि उनके भी दिल से निकल आए, हाँ, लेकिन आगे उसको ट्रांसलेट उसने कैसे करना है, अब ये उसकी विजडम है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स जो है ना वो ठीक और जरूरी नहीं है, देखिए हर हम जब कम्युनिकेट करते हैं ना, या हर स्टोरी के 2-3-4 एंगल होते हैं, हर इंसान का अपना सच है, ठीक है ना, हाँ, और वो इसलिए शायद हजरत अली का कॉल है कि हर इंसान का अपना सच है, लेकिन हकीकत जो है ना वो जानने के लिए आपको सारे सच देखने पड़ते हैं, हर जाविया देख, इसलिए अदालतें लगी होती है ना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, तो आप, और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको एक बात कही किसी और एंगल से, मेरा वो मतलब नहीं हो सकता, या मेरे पीछे कोई और बैकग्राउंड हो सकती है, आपके जहन में क्या है तो आप ही उसको, हाँ, जब हम कल्चरली डिफरेंट होते हैं ना, बहुत फर्क, उस बात का मेरे नजदीक कोई और मतलब होगा, आप उसको किसी और तरह से इंटरप्रेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने उसको किसी और तरह से इंटरप्रेट किया, आपने अपनी वो इंटरप्रिटेशन उसको बताई तीसरे बंदे को, मैंने आया कह रहा है मतलब जी देखो बला बला होते हैं ही मेरे खिलाफ, ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल, तो अब हो सकता है ऐसा ना हो, ठीक, मेरा भाई ने मेरी मदर की एक और जो चीज है ना वो बड़ी पर्टिकुलर होती है, यूज ऑफ वर्ड्स पे, अल्फाज क्या यूज हो रहे, अच्छा, तो काफी पुरानी बात है, तो मेरे भाई ने कह दिया, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उन्हीं की कोई बात ही, एक तो पता नहीं बुढ़िया जिड़ी ने ऐसे कर दिया, मेरी मदर तो पीछे कहती है ये बुढ़िया क्या होता है, अच्छा तुम ये लव्स कैसे यूज करती हो, बुढ़िया मैं तेरी माँ लगनी माँ
तो वो माय पॉइंट इज कि उसका मतलब ये नहीं था, वो एक जेनेरिक उसमें बात कर रहा था कि औरतें यूजुअली इस तरह की बात ऐसे करती हैं, लेकिन आपके बालदा ने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब बात ये है कि कल्चरली डिफरेंस हो सकता है इंटरप्रिटेशंस में, बिल्कुल ठीक है, कल्चरली फैमिली वाइज आल्सो समटाइम्स आप सार्कास्टिक नहीं होते, आप बड़े नॉर्मल होके एक बात कर रहे हो तो लेकिन अगले बंदे को लगता है यार मेरे पे सार्कैज़म कर दिया इन्होंने, बम गिर गया मेरे, आपकी ये जो पर्सपेक्टिव बने होते हैं ना ऑलरेडी जब आप बड़े होते हैं 20 साल तक, जी बिल्कुल, उसमें समाजी नफ्सियाती मुआशी मजहबी सोशली सारी चीजें सारा कुछ ना एक कल्मिनेट हुआ होता है, बिल्कुल ठीक, आपका एक पर्सनालिटी और आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, उसमें कोई बातें कैसे आप उनको रिसीव करते हैं, कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस है ना, वो कोडिंग एंड डीकोडिंग, यस, मैंने अभी जो इस वक्त बातें कर रही हूँ लोग इसको कैसे डीकोड कर रहे हैं, बिल्कुल वो उनके अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, किसी को हो सकता है बहुत अच्छी लगे, किसी को बड़ी फजूल लगे कि ये तो बच्चों को खराब कर रही है या माओ को ऐसे कर रही है या बीवियों के कर रही है, आई डोंट नो उसको वो किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे बिल्कुल करीबी रिलेशनशिप है ना उसमें हमें ये गुंजाइश जो है ना शक की वो देनी, जितनी आप देते हैं उतने आप सुकून में रहते हैं, बिल्कुल वो जैसे कत्ल का भी केस माफ कर देते हैं ना शक का फायदा देकर, बिल्कुल, तो और कुरान में अल्लाह ताला भी कहता है कि बदगुमानी मत करो, बदगुमानी क्या है, गुमान वो है जो मैं सोच रही हूँ, बिल्कुल ऐसा एक्चुअल हो सकता है ना हो, एग्जैक्टली, तो अच्छे रिलेशनशिप के लिए खुशगुमानी जिसे कहते हैं या क्या कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना, बिल्कुल, आपने मेरी फर्ज करो मैं मदर इन लॉ हूं, मैंने अपनी बहू को फोन किया 2 दफा उसे नहीं उठाया, अब क्या रिएक्शन होना चाहिए मेरा, ये कोई बात नहीं बिजी होगी बच्चों के साथ कुछ भी, और ऐसा हो जाता है और कर लेगी, मुझे भी कोई करता है कई दफा मैं नहीं उठाती हूँ, ठीक है बिजी हूँ, तो आप बिजी हैं उस वक्त आप सो रहे हैं आपका दिल नहीं चाह रहा आप किसी और मूड में, वॉट एवर, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे आप खुद भी पुरसकून रहते हैं और दूसरे को भी आप पुरसकून रहते हैं और घर भी सुकून में, घर भी सुकून में रहता है और आपको भी फायदा मिलता है, किसी वक्त आप भी नहीं उठा रहे होंगे, हाँ सही बात, तो आपको भी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब उठाया तब कर ली बात, मैंने एक छोटी सी मिसाल दिया, बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को जो है ना वो आप हमें हमारे जो पर्सपेक्टिव जिसे हम कहते हैं ना किस तनाजर में हम उसको देख रहे हैं, वो उसको रिलेशनशिप को और हमारी खुशी को हमारे घर के सुकून को बहुत मुतासर करता है, बहुत मुतासर, क्योंकि हम अपनी बेटियों के और बेटों के एक्शंस को एक और तनाजुर में देखते हैं, बिल्कुल, और उन्हीं एक्शंस को हम दामाद की तो वो वैसे ही हुआ ना कि उसकी तो इज्जत ही करनी है जो भी हाँ, वो कर ले, लेकिन बहू को ये क्रेडिट जहाँ पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन आती है, बिल्कुल आती है। मैं बल्कि एक दिन सोच रही थी मैंने कहा मुझे बताओ ये जो मेल शेवरिज्म आप कहते हैं उसमें दामाद को कितना एक प्रिविलेज दिया गया है, बिल्कुल दिया गया 100% प्रिविलेज है, क्योंकि जी वो आपकी बेटी को ये कर सकता है वो कर सकता है, हाँ, लेकिन वो प्रिविलेज के ऑपोजिट बहू के साथ किया गया है, बिल्कुल के ओदे से कान खींचो, हाँ ठीक है तो उन्हें इज्जत करो, ओदी इज्जत करो, हमें इस रिश्ते की भी उसी तरह से इज्जत करनी चाहिए, हर रिश्ते की इज्जत, इसलिए कि मैं आप एक जो यूजली होता है ना कि बहुओं को बेटियां बनाएगी, बात ये है कि ये एक्सपेक्टेशन जो है ना बहु रिश्ता खूबसूरत क्यों नहीं हो सकता, उसको हमें क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत है बेटियों में, सही बात है, आपने इतनी प्यारी बात की है कि हर रिश्ते को उसकी अपनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपनी स्पेस देनी चाहिए, कि एक बच्ची ने 20-25 साल अपनी माँ के साथ गुजारे हैं, बिल्कुल उनका एक लेवल डेवलप हो गया ना, हाँ जी, और एक खून का रिश्ता है, सबसे ज्यादा हमारे पर्सपेक्टिव इसलिए कि हम ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे, बिल्कुल, कि मेरी मेरी जितनी अपनी मदर के साथ बॉन्डिंग मतलब वो बड़ी नहीं, बॉन्डिंग के अलावा हमारे जैसे मैंने कहा ना इख्तलाफात भी, चूंकि वो बहुत फंडामेंटलिस्ट किस्म की उनके कई ख्यालात होते हैं और मेरे नहीं होते, सही, तो एक केमिस्ट्री बहुत सी बातों में हमारी नहीं मिलती थी, वो केमिस्ट्री मेरी मेरी सास के साथ ज्यादा मिलती थी, क्या बात है, ठीक है, वाह, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बातें करना शेयर करना चीजें वो उनके साथ होती थी, अच्छा, लेकिन जैसे मैं अपनी माँ के साथ बात कर लेती थी
वो मैं उनके साथ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां पर रिस्पेक्ट भी साथ है। डेफिनेटली क्यों रिस्पेक्ट साथ है, क्योंकि वो रिश्ता है जो मैंने बनाया हुआ है, ट्रस्ट के साथ बनाना है। बिल्कुल, उसमें ब्लड की बॉन्डिंग नहीं है, नहीं, उसमें बिहेवियर्स की बॉन्डिंग है, उसमें इंटेंशंस की बॉन्डिंग, इंटरैक्शंस की बॉन्डिंग, बिल्कुल। तो उधर मैं अगर उसी तरह से बात कर दूं ना जैसे मैं अपनी माँ के साथ कर रही थी, दूसरी दफा हमारी कभी बात ही ना हो लिटरली। लेकिन माए एज अ मदर मैं ग्रेस दे देती हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं हम, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो हमें ये बुनियादी फर्क को समझने की जरूरत है, ठीक। इसलिए मदर इन लॉज का साथ रिस्पेक्ट का ज्यादा उसमें आता है, आपकी बॉन्डिंग भी आती है, आपकी केयर भी आती है। माओ के साथ आप प्रिविलेज ले लेते हैं, क्योंकि पता होता है माँ इन्हें भी कितने जाना, उसको भी पता है, तो मोहब्बत के ऊपर कोई ना क्वेश्चन मार्क नहीं होता। सही बात है, इंटेंशन पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बेटियों के बहुओं के दिल में भी होंगे, सासों के दिल में भी होंगे, तो उन क्वेश्चन मार्क को हम जितना एड्रेस अच्छे तरीके से कर ले बेहतर है। तो लव वैसे भी इज नॉट, मे बी इट्स अ नाउन बट एक्चुअली इट्स अ वर्ब, यस, इट्स मोर एक्शंस जो है ना, और उसमें रिस्पेक्ट और केयर, उसके म्यूचुअली जो रिस्पेक्ट और केयर है ना, वो मेरा ख्याल है उसके बहुत बुनियादी अनासर है। इसके बगैर आप लव्स मानी खो देते हैं। ये जो गोरे कहते थे ना, आई लव यू उठते हैं, बात की उन्हें, बात किए थे पहले किए, मतलब तुसी शुरू ही आई लव यू तो उन्हें तो फिर एंड किए। मैं ये नहीं कहती नहीं कहना चाहिए, बट मेरा मतलब ये है कि उसको कहें कम, और कब करें, जब आपके एक्शन से ज्यादा फील हो, बिकॉज़ योर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो अगर हम कितना मर्जी लगे रहे, लेकिन जब आपको कुछ करके दिखाने का, मतलब जो आपका कंफर्ट जोन नहीं है बट इट इज नीडेड बाय द अदर पार्टी, तो वो फिर आप लव का टेस्ट होता है ना, कि वाकई आई केयर। यस मैडम, आप एक टॉरियन है, और टॉरियन होते हुए अपना गुस्सा, अपना आप इतना संभाल लेना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि टॉरियंस को बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, बट दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कैसे करती हैं आप, ब्रीफली इसका बताइए, और फिर मैं अगले सवाल पे जाऊँगी। गुस्सा जो है ना, एक कुदरती आपके अंदर इमोशन है, बिल्कुल, लेकिन गुस्सा आना जो है ना, आता भी है, लेकिन उसी वक्त ही होता है कि आपने गुस्से को रिएक्ट कैसे करना। मेरा उसमें एक तो वैसे ये तरीका रहा है कि मैं कोशिश ये करती रही हूँ कि मैं उसी वक्त रिएक्शन ना लूँ। मैं उसके ऊपर आई स्लीप ओवर। ओह वाओ, यू स्लीप ओवर इट, अच्छा ठीक है। फिर मैं सोचती हूँ कि ये बात जितनी मुझे अभी बुरी लगी थी, ये वाकई उतनी बुरी थी, ठीक, और अगले 24 घंटों में उसका जो होता है ना मैग्नीट्यूड, वो कोई 50% हो चुका है। बिल्कुल, सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के और बाद फिर उसमें अगर कुछ जरूरत है बताने की या कहने की, तो आई लेट माई सेल्फ कूल डाउन, और फिर किसी मुनासिब वक्त के साथ और मुनासिब मूड के साथ, मूड के साथ, क्योंकि रिएक्शन होके गुस्सा निकालने में सिवाय इसके कि आप आर्गुमेंट में चले जाते हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम साथ ये है कि मैं 2 मिनट से ज्यादा आर्गुमेंट में नहीं जा सकती। ऐसे तो मेरे से आप 4 घंटे बातें कर लें, लेकिन वो जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसमें आपका डू एंड डाई है। एक तो मैं बोल ही नहीं सकती अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस इट, विच इज अ गुड थिंग। तो मैं यूजली उसको इंटरनलाइज करती हूँ, ओके ओके, और मैं उसको प्रोसेस करती हूँ, ओके। बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो थोड़ा सांस लीजिए, और हमारे नवी ने भी यही कहा कि आपको बहुत गुस्सा आए तो कमरा छोड़ दें, वो जगह से मूव कर जाए, जब उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा नीचे आए फिर आप सोचें, क्योंकि उसमें गुस्से में लिए हुए फैसले जो हैं वो हमेशा आपके नुकसान के। जिंदगी में ना वो जो होता है ना, आई एम सॉरी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत कम मुझे जरूरत पड़ी है कहने की। अच्छा, माशाल्लाह। इसलिए कि लेकिन उसके लिए आप अपने ऊपर बड़ा जबर करते, बड़ा जुल्म करना पड़ता है लेकिन उसका फायदा ही है, अच्छा है क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग फ्रॉम द एज जिसमें फैशन को बहुत ज्यादा भागा नहीं जाता था, जिसके पीछे बड़ी सिंपल सी लाइफ, यू कैरी अ वेरी मॉडर्न, अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड अ पर्सोना। ये आपकी सेल्फ ग्रूमिंग ऑफ कोर्स एंड योर ओन पर्सनल चॉइस, लेकिन इस फैशन के पीछे क्या राज है ये बताइए। राज इसके पीछे कोई नहीं है, इतनी मॉडर्न मदर इन लॉ हो ना, ये तो एक मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। नॉर्मली मदर्स इन लॉ आर वेरी ट्रेडिशनल, चादर दुपट्टा लंबे बाल,
मतलब उसमें फिर वही बात है कि ट्रू स्टोरी में आपको सुनाते। मेरे बाल लंबे थे, वेरी स्ट्रेट, वेरी सिल्की, माशाल्लाह अभी भी बहुत वो जैसे हैं, ठीक है, तो वो हिप लॉन्ग लेंथ। अच्छा 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 अच्छा। उस जमाने में कोई आपको पता है पार्लर शार्लर ये कुछ ही नहीं होता था, और इतने सिल्की थे कि जो भी मैं उसका स्टाइल करती थी वो सीधे हो जाते सन। वो बन बनाया तो पिने स्लिप होके निकल रही है, अगर वो उस जमाने पर मैं पुराना भी पहनती थी। अच्छा। वो लूज होके निकले, आई वाज सो फेड अप, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी मैं क्या करूँ। फिर मुझे उसका हल यही नजर आया, मैंने कहा कि मेरा सिवाय खोले रखने के। हाँ। अब खोल भी आप कितनी दे सकते हैं, नुमाइश लगाई हुई बालों की, बड़े खुले करके फिर रहे हैं। रिसर्च में आपको बाल नहीं चाहिए, आपको काम करना है, हैंड्स ऑन। मैंने फिर जो था कि मैं कटवा दूं, ठीक है, ठीक। तो मेरे हस्बैंड को कोई इशू नहीं था, वो कई बंदों को होता है ना, मुझे बाल लंबे चाहिए। मैं सोची बालों को क्या करने भी। गुड क्वेश्चन, बालों का आपने क्या करना है भाई। बाल जो है वो आपकी एस्थेटिकल ब्यूटी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो जिसको जैसे सूट करते हैं वो कर ले। सही बात। तो इसलिए उनको कोई इश्यू नहीं था कि इसके बाल कट जाएंगे तो लंबे हो छोटे हो। सो वी वेंट टुगेदर टू अ पार्लर और वहां से कटवाए बाल। मैंने वो जो फैसा का शेर है ना, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले, तो मैं यहाँ से जब कटवाया तो मैंने सीधा बॉब कट पे ला के रखा है। तो थोड़े से लंबे थे लेकिन वो मुझे सूट नहीं किए, तो मैं दिस सूट से हम बड़ा सोचे कि मसला क्या है। आई स्टार्टेड लुकिंग रादर जो है ना क्या कहना है ओल्डर। ओके। तो मैं हालांकि शॉर्ट हेयर से बंदा वो जो थोड़ी थोड़ी सी इससे लंबी लेंथ थी, वो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं, वो आर्टिस्ट भी हैं जो देखते हैं करते हैं, उन्होंने करते करते काटते काटते करते उसको और छोटा किया तो वो ठीक हो गया। वेरी नाइस। तो वो दिस इज रादर अ डायना कट आई थिंक, पता नहीं जो भी है, मोर ऑर लेस दैट। हां, तो वो पहले मैं सेंटर में मांग करते। अब उसमें एक जो ये हुआ कि मेरे वाले साहब जो थे उन्होंने बड़ी देर के बाद मुझे कहा के कहते हैं कि मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जो तुमने ये बाल बालों का हशर किया ना, मुझे उसकी बहुत तकलीफ हुई थी। अच्छा। उनका ये होता था बेचारे कुछ कहते नहीं होते थे। अच्छा। तो ये उन्होंने मुझे बड़े सालों के बाद मैंने कहा, अच्छा चलो शुक्र है उसने कुछ नहीं कहा। तो इवन मेरे माय फादर इन लॉ इवन उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी कभी कुछ भी नहीं कहा था ना, ये वुड नेवर से एनीथिंग। लेकिन इसमें उन्होंने भी कहा कि ये तुमने बाल कटवाए मुझसे पूछा नहीं, तो मेरी मदर इन लॉ कहती है वो मेरी देवरानी ने भी कटवाए थे, उसके खैर मेरे जी तो नहीं थे छोड़े, कहती है उन्हें ही कटवाए सन, तो उन्होंने तो तुसी कुछ नहीं कहते, इन्हों के तुसी इतराज कर रहे हो। क्या बात है जी। तो फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट खवातीन जो आपकी जिंदगी में रही, बड़ी स्ट्रांग थी जी, मगर तुसी नहीं पूछ रहे हो। तो वो इस वजह से। लेकिन अब उसमें मसला क्या हुआ, बाल तो मैंने कटवा लिए, अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती थी। सही सही। बल्कि अब अली भी कहता था, वैसे अम्मा अगर उस वक्त मैं होता तो मैं आपसे कहता कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही हो या ऐसी जगह पे जा रही हो तो आप उस वक्त सर पे दुपट्टा ले लो, आप उसी तरह से जाती थी। मुझे भी ख्याल नहीं आता, अब मैं वैगन में बैठी हूँ, आपको पता है। हाँ, बिल्कुल। लोग जैसे चिड़ियाघर वाले देखते हैं ना किसी को। मैंने ये काफी स्टेयरिंग जिसे कहते हैं ना, हाँ जी, अभी जो हमारे मुल्क में एक आम मशगला है मर्दों का, और वो आपको घूरते रहते हैं। की बात ये कि मुझे तो फील भी नहीं होता कि मेरे बाल इतने छोटे हैं, लेकिन जो भी कोई नई कोई किसी में किस जगह पे जाती हूँ ऐसी नथिया के लिए वो बच्चे से आए, अब वो भी मुझे देख रहे और मुझे हंसी आती है, आई डोंट माइंड, ये बेचारे परेशान हो गई ना इसके की अच्छा इन्होंने तो देखना ही है मैनु। तो लेकिन वो ये है कि तब से अब तक बीच में मैंने कोई दो दफा कोशिश की लंबे रखने की, अली ने कहा नहीं अच्छा मैं आपको स्टाइलिंग करवा के दूंगा ये वो, तो मैंने बड़ी मुश्किल से 7-8 महीने उनको ग्रो किया, बड़ा मुझे लेके गया किया, आखिर में नतीजा फिर वही वही नहीं उधर ही ठीक है। अब मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि आई शुड नॉट थिंक अबाउट चेंजिंग, क्योंकि मैंने 2-3 अटेम्प्ट्स फेल्ड अटेम्प्ट्स किए हैं। अच्छा, अब मैंने कहा इसी में ही लाने भेजो। हालांकि जब मैं यंग थी तो मुझे ये होता था कि अच्छा जब मैं ओल्ड एज में जाऊंगी तो मैं अपने बालों का क्या करूंगी, क्या करूंगी? उस वक्त तो ये मैं इतने छोटे नहीं रख सकती, लेकिन ये आप बहुत लेकिन वो कर गए। और एक और मजे फनी बात, लंबे बाल मेरी मदर रखने नहीं देती थी स्कूल में, काटती रहती थी छोटे। अच्छा, काटते इतने बाल होते ना, अब मुझे बड़ा शौक, दूसरे स्कूल में हमने जाना लड़कियों ने लंबे लगा, मैं अम्मी ये लंबे बाल नहीं नहीं एक दिन कहती है सारी जिंदगी मुड़ के लंबे ही रखने हैं ना, जिना जिकर छोटे रख सकते रखो।
सही बात, तो उनको नहीं पता था कि सारी जिंदगी में छोटे ही रखने में रखने हैं तो अकेले हंसी आती, तो इसलिए तो अब वो है कि अब वो है तो बस है, अब मैं क्या करूँ। क्या बात प्रोफेसर साहिबा, आगे आने वाले फ्यूचर में हम आपको कहाँ देख रहे हैं? एजुकेशन मिनिस्टर मिनिस्टर होने के लिए इतना एजुकेटेड मुझे ये बातें हमने नहीं सुनी, ये बातें हमने नहीं सुनी मेरा आगे जो है ना, आई एम फिगरिंग आउट। ओके, एक तो जो आपकी जाहिर स्किल्स होती हैं, अपने स्किल सेट, कोई स्किल सेट्स है मेरा, सर्टन एरियाज है रिसर्च के हवाले से, कुछ मेंटल हेल्थ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से, सोशल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स जिसको कहते हैं, ग्रूमिंग, तो एक तो मैं उन पे फर्दर काम करना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। दूसरा अली जफर जो फाउंडेशन है, वो पिछले कुछ अरसे में हमारा जो था ना वो फ्लड में, और उसमें तो काम किया कोरोना ये है वो है, बट इट नीड्स अटेंशन। सो यू गोइंग टू बी हेडिंग दैट? और मेरा जो है ना अब वो ये जिसे कहते ना काफी काम कर ली है जितने करने थे, अब ये करना, अब आई वांट टू गिव टाइम टू दैट, दैट्स वंडरफुल। और हाँ, तो इसलिए उसमें जो है ना उसके जरिए से गर्ल्स खासतौर पर एजुकेशन, क्या बात, और उनकी ग्रूमिंग और कुछ स्कूल्स हमने अडॉप्ट किए हुए हैं फाउंडेशन ने, बॉयज और गर्ल्स, तो अभी इंशाल्लाह नए साल से जो है ना आई एम थिंकिंग कि उसको उसमें स्टेप इन करो, सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर डोमेन, रीडिंग एंड एंजॉयिंग विद टाइम विद माय ग्रैंडचिल्ड्रन। एंड आप एक रिवायती दादी हैं? रिवायती क्या होती है? रिवायती यानी कहानियां पढ़ के सुनानी, कल में याद कराने, लेटा के अपने ऊपर जफियां डालनी, पपियां करनी। नहीं वो तो मैं करती हूँ, मेरी बल्कि जो अभी जहन जो इधर मूव की है ना, हाँ जी, उसकी छोटी बेटी है, उसको बड़ा शौक है वो सुनते याद करने का। अच्छा, वो बड़े मजे से फिर आके तो वो सुनती है और सुनाती है। क्या बात है। हाँ, और उसको मैंने अभी अल्फाबेट सिखाए उर्दू के, उसने यू पिक किया, आई वाज सो हैप्पी। तो वो बच्चे सारे जो है ना मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, वो आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? नहीं, मेरे इर्द गिर्द घूमते भी हैं लेकिन इतना नहीं उनके स्कूल से, बट व्हाट दे वांट इज कि वो दो कह रहे हैं कि आप हमारे स्कूल में आए, हाँ, एंड यू शुड ज्वाइन आवर स्कूल। मैंने कहा बेटा बड़ी प्रमोशन कर रहे हो मेरी, यूनिवर्सिटी तो मैं स्कूल पा रहे हो भाई, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में हम बात चात करते हैं और हम कहते हैं कि इस माशरे का फ्यूचर क्या है, इस माशरे को कैसे सुधारा जाए। तो कल भी हम एक कॉन्फ्रेंस में थी मैं, तो मैंने एज अ स्पीकर यही कहा कि मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम अपने आने वाली जनरेशन को रिवायती नानियाँ दादियाँ नहीं देंगे, उनको बैठ के कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, तो ये जो आईपैड्स हैं या ये जो आईफोन्स हैं, ये जो टैब्स हैं, इनके साथ हम उन बच्चों को सिर्फ तबाह कर रहे हैं, उनको उनका फ्यूचर नहीं बना रहे। क्योंकि ये जो जहन के दरीचे हैं, अगर इतने गैर ज़रूरी होते तो रब हमें देता ना एक चीज़, और अगर इतने गैर ज़रूरी होते तो जिन लोगों ने इन चीज़ों की तख्लीक की है वो अपने बच्चों को इनसे दूर ना रखते। सो देर इज डेफिनेटली समथिंग जो हम मिस कर रहे हैं इस वक्त, जो हमारी जनरेशन गुजरने के बाद पता चलेगा। तो वो अभी मतलब मैं ये समझती हूँ कि इस माशरे का बिगाड़ एक बहुत बड़ी वजह वो भी है। देखिए, आई टोटली एग्री विद यू कि जब आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, जरूरी नहीं नानी दादी हो, इवन माँ बाप भी, बिल्कुल, आपका जो इंडिजिनस कल्चर है ना, हाँ, इंडिजिनस लर्निंग जिसे कहते हैं मकामी, हाँ, आप कह लें सीना बसीना जो ट्रैवल होनी होती है चीजें, वो आप मुंतकिल कर रहे होते हैं शौरी और गैर शौरी तौर पर बच्चों में, बिल्कुल मैनर्स कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि स्टडीज ने ये एस्टैब्लिश किया है कि जो बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना गैजेट्स पे, हाँ जी, उनकी जो उनको स्पीच प्रॉब्लम आ रहे हैं, डिलेड है, बिल्कुल है। दूसरा उनकी जो सोशल स्किल्स हैं, जो पीपल स्किल्स कहते हैं, हाँ, इंटरेक्शन जो है, इंटर कम्युनिकेशन, ह्यूमन, जी जी बिल्कुल, ह्यूमन इंटरेक्शन, वो उसमें वीक है, बिल्कुल। वो इंटरनलाइज्ड रहनी दुनिया जो है ना उनकी, उसमें रह रहे हैं अंदर ही अंदर, अंदर फीलिंग, आप देखे ना कि ये आपकी एक स्पेस बन गई है, ठीक है, पहले एक स्पेस थी ना टीवी दीवार पे लगा है, सारे जो लोग हैं नहीं भी देख रहे हैं, बट इट इज अ स्पेस विच इज शेयर्ड। अब ये मेरी स्पेस है, हाँ जी, अब ये मुझे बड़ी कंफर्टेबल लग रही है, कोई बीच में आ नहीं रहा है, मैं बड़े मजे से जो मर्जी कर रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो कंफर्ट जोन बचपन से डेवलप हो रहा है,
उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा कि आप ह्यूमन इंटरेक्शन में किधर आ रहे हैं और फेस टू फेस गुफ्तगू करनी है तो कैसे करनी है, सिचुएशंस आई हैं तो उनको डील कैसे करना है। तो अब आप लोगों के, मुझे याद है जब मैं यूएसए थी तो कुछ मिलने के लिए अगर आ रहे हैं तो बच्चों ने साथ टैग्स पकड़े हुए, अब उनको बड़ा वो करनी है, मिलते हैं खाला को सलाम करो, पापा ये करो, वो बच्चे बेचारे वो बच्चे यूं खड़े वो यूं करे हैं, फिर बस बैठते ही उन्होंने अपना निकाला है और उसके ऊपर 2 घंटे नॉनस्टॉप पता नहीं क्या देख रहे हैं, वो लगे हैं, दे विल नॉट टॉक टू एनीवन, दे विल नॉट स्पीक टू एनीबॉडी, किसी का हाल नहीं पूछेंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये अपना अपने कंफर्ट जोन से अब हमें, हमारे लिए चैलेंज है। मैं तो बल्कि कैसा सोच रही हूं, शुक्र है अल्लाह, अच्छे वक्तों में बच्चे पल बच्चे पल पल गए। अब पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंज, बहुत चैलेंज। तो मुझे तर्स भी आता है पेरेंटहुड और पेरेंट्स के ऊपर, सही बात है, कि इतनी चैलेंजिंग एनवायरमेंट में और लाइफस्टाइल में, और फिर उनको बच्चों के साथ डील करना, और दूसरा ये कि इतना ज्यादा वो अब वो कंपेटिटिवनेस हो गई है कि बच्चों को एक ये भी सिखाने की चीज़ है जो हमें याद है बचपन से, यही था माय मदर वुड से कि ये आपका जेब खर्च है, हम आपको इतना ही दे सकते हैं। मेरे अगर कजन ये ज्यादा ले रहे हैं, उन्होंने कहा दैट इज देयर फादर्स इनकम, हम नहीं दे सकते। वो पंजाबी के मिसाल की, अगर मसाए का मुंह लाल है ना तो अपना चंड मार के नहीं लाल करना, बेड़ा मार के लाल कर लो, ठीक सही बात है। तो ये हम अब क्या करते हैं, बच्चा बड़ा कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है, उसके क्लास फेलोज ऐसे लेकर आ रहे हैं, हमें भी उसको ये करके देना है, फलाना जो है। पर देखिए, दुनिया में जो कुछ मयसर है ना, आप सब कुछ तो नहीं ला के दे सकते, नहीं दे सकते, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। असल बात यह है कि आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लें और उनको बताएं कि दिस इज वॉट यू कैन, दिस इज वॉट यू कैन गिव, एंड देर इज नो कॉम्पिटिशन विद अदर्स, ठीक है, और इसमें आपने खुश रहना या इसके साथ एडजस्ट करना सीख लें। अगर आप भी उसी रैट रेस में बच्चों के साथ मिल जाते हैं तो आप उसका है? नतीजा ये है कि उसमें आपको कोई उसका कोई एंड नहीं है, कि दिस इज द अल्टीमेट हाइट जिस पे आप जाने हैं। मतलब मुझे बल्कि, लेकिन पेरेंट्स जिनके पास है भी, आई वुड से दे शुड टेक केयर ऑफ अदर्स आल्सो। मतलब आज से 10 साल पहले मुझे दानियाल ने बताया कि उसके स्कूल में जो उसका एक क्लास फेलो 10 या 15 साल पहले की बात होगी, अम्मा वो 500 रुपीज रोज लेके आता है। ओफ, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा क्यों उसको उसके पेरेंट्स 500 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है आपके पास है, लेकिन आप ये देखें कि पहली बात यह है कि वहाँ स्कूल में सबके पास नहीं होंगे, ठीक है, एक कॉज एक रिफ्ट बन जाएगी बिना वजह की। ये है कि उसको थोड़ा सा बच्चों को मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए और पैसे की जो अहमियत है ना, जो इतना फॉर ग्रांटेड उसको ना लें, वो भी उनकी जिंदगी में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं डेलिबरेटली बल्कि दानियाल को कहती, दानियाल मैं तुम्हें चीजें जो तुम कह रहे हो मैं लेके दे सकती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं लेके दे, आई वॉन्ट यू टू सफर द पेन ऑफ नॉट हैविंग व्हाट यू वांटेड, देन यू विल एंजॉय व्हाट यू गेट इन लाइफ। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कुछ नहीं मिलता तो क्या होता है। सही बात है। वो फीलिंग्स जो है ना, वो आपके अपने बच्चों को देनी है। यस, उनको वो दर्द दें ताकि वो एंजॉय करें, वो ग्रेटिट्यूड उनमें आए और वो खुश होना सीखे। वरना दही जाते हैं वो हर चीज जो है ना वो बेमायनी हो गई, बेवकत हो गई। तो हर चीज बेमायनी और बेवकत हो जाती है अगर आप एक्सेस कर दें, वो चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे इज्जत हो, तो वो दें जो अगला डिजर्व करता है, वो करें जो आप डिजर्व करते हैं, वो करें जो आप सही समझते हैं, और ऐसा करें कि मुआशरे के अंदर उससे बिगाड़ ना हो, उससे सवार हो। हमारे मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने 4 चांद लगा दिए हमारे इस पॉडकास्ट को, बहुत मजा आया, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़। थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज फन एंड प्लेजर, और मुझे नहीं पता जो मेरे दिल में होता है बस मैं कह देती हूँ। आपने बहुत चखा है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।